हेलो एवरीवन, कैसा कहा है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन के बारे में, एंड जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा उससे आप इस पे बेस्ड आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर लोगे। तो ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन हमें अल्कोहल का कराना है, एल्डिहाइड का कराना है एंड एल्केन का कराना है। अल्कोहल मीन्स वॉट, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच होना चाहिए वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ध्यान से सुने मेरी बात, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच होंगे वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। इसीलिए ये कार्बन के जो रेस्ट 3 बॉन्ड है, इधर आइदर कार्बन हो सकते हैं या हाइड्रोजन, कार्बन या हाइड्रोजन, कार्बन या हाइड्रोजन हो सकते हैं। डैट मीन्स इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए और इससे एक OH ग्रुप अटैच होना चाहिए। तो इसका हमें कराना है। अल्डिहाइड तो आपको मालूम है, सी डबल बॉन्ड ओ और ये H फिक्स हो गया, कार्बन के 3 बॉन्ड फिक्स हो गए। तो इधर जो एक बॉन्ड बनेगा, आइदर वो कार्बन से अटैच होंगे या फिर हाइड्रोजन से, इसलिए उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, राइट। और एल्केन में एलिफैटिक का कराना हमें, एलिफैटिक इन द सेंस sp3 वाले कार्बन होंगे। और एरोमेटिक का कराना, एरोमेटिक का भी सेंस यहाँ पे यह है कि बेंजीन रिंग वगैरह लगे होंगे, उससे जो डायरेक्ट कार्बन अटैच होंगे वो वाले साइड चेन ऑक्सीडेशन इसको बोलते हैं। अगेन इसका भी हाइड्रेशन sp3 होना चाहिए। तो पहले क्या क्या होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए आपको। नाउ ट्रिक का जो पॉइंट है, डैट इज वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आगे मैं यूज करूँगा। कभी भी एक कार्बन पे, ध्यान दे एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप होंगे तो उस केस में वाटर आपको बाहर कर देना है। क्यों? एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, तो बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा, अनस्टेबल रहेगा, इसलिए वाटर बाहर कर देंगे। एक से H, एक से OH, तो क्या बन जाएगा? सी डबल बॉन्ड हो, तो ये बन जाएगा। इस पॉइंट का आप ध्यान में रखना, आगे मैं बहुत बार यूज करने वाला हूँ उसके पॉइंट को। लिखा मैंने कि हर एक कार्बन पे, ईच कार्बन कैन कंटेन मैक्सिमम वन OH ग्रुप, एक कार्बन पे एक OH हो सकता है, एक से ज़्यादा होगा तो वाटर आपको बाहर निकाल देना है, ओके। उसको एक और एग्जांपल समझाया कि जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप आ गए तो वाटर बाहर कर देंगे, तो ये बन जाएगा। बट यहाँ पे भी दो OH है बट अलग अलग कार्बन पे, ध्यान दो अलग अलग कार्बन पे, तो इस कार्बन पे एक OH है, डैट इज ओके। अगेन इस कार्बन पे OH है, डैट इज ओके, ऐसा स्टेबल है, इसमें नहीं निकालना है, एक ही कार्बन पे होगा तो आपको निकाल देना। नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, राइट। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या यूज करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डैट मीन्स ना तो ये ज़्यादा स्ट्रांग है ना ही ज़्यादा वीक है। कौन कौन है तो फिक्स है, बस इतना ही ध्यान में रखना है। CrO3 क्रोमियम के ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस मीडियम, एनहाइड्रस मतलब वाटर वगैरह या एसिड या बेस, कोई ये मीडियम नहीं होना चाहिए, राइट। दूसरा होता है पायरीडीन इन प्रेजेंस ऑफ HCl, कोई भी एसिडिक मीडियम एंड CrO3, ध्यान देना इन दोनों में डिफरेंस है। पायरीडीन इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड CrO3, तो इसको बोलते हैं पायरीडीन क्लोरोक्रोमेट, शॉर्ट फॉर्म में PCC भी लिखा हो सकता है एरो पे, तो ये ध्यान देना। वैसे ही इसका बड़ा भाई है पायरीडीन डाइक्रोमेट, PDC, राइट। तो ध्यान से देखो, अगर कहीं पे भी पायरीडीन वर्ड आ गया तो वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा इन केस ऑफ क्रोमियम के केस में। ये सब क्रोमियम के ऑक्साइड हैं। एंड कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ हीट दे, तो ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। टेम्परेचर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए 573 केल्विन तक होता है ये। तो ये हैं आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो स्ट्रॉन्ग में KMnO4, अगेन डी ब्लॉक के ऑक्साइड, मैंगनीज के ऑक्साइड हो गए, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम हो तो भी, बेसिक मीडियम हो तो भी, न्यूट्रल मीडियम हो तो भी, अल्कोहल के केस में ये तीनों मीडियम में ही स्ट्रॉन्ग का काम करता है। सिमिलरली K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम ओनली, ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में वर्क करता है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वैसे ही CrO3, ध्यान देना अगेन क्रोमियम के ऑक्साइड है बट इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम है, यहाँ पे ये एनहाइड्रस था, यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, अगर एसिडिक मीडियम होगा तो फिर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे और इसका स्पेशल नेम है जोन्स रिएजेंट। तो ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि कौन माइल्ड है कौन स्ट्रॉन्ग है, इसका क्या यूज है मैं बताता हूँ अभी। सबसे पहले डिग्री ऑफ अल्कोहल को आपको देखना है कि अल्कोहल कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है या 3 डिग्री का है। डिग्री ऑफ अल्कोहल पहचानना बहुत ईजी है, जिस कार्बन से OH अटैच है
OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन एक ही कार्बन से अटैच होना चाहिए, राइट, तो 1 डिग्री बोलेंगे, या फिर एक भी कार्बन से ना हो तो भी 1 डिग्री बोलेंगे। OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन दो कार्बन से अगर अटैच होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। वैसे ही OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 3 कार्बन से अटैच होगा तो 3 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। तो अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल लिया और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया तो इन दैट केस एल्डिहाइड बनेगा आपका प्रोडक्ट। ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक का पॉइंट यही है, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, माइल्ड वाला लिया, इनमें से कोई भी लिया तो आपको क्या बनाना, एल्डिहाइड। 1 डिग्री है स्ट्रॉन्ग लिया, स्ट्रॉन्ग मतलब इनमें से कोई लिया तो क्या बनाना आपको, एसिड। एसिड बोले तो सी डबल बॉन्ड ओ OH ग्रुप आपको लगाना। सिमिलरली अगर 2 डिग्री है तो माइल्ड हो या स्ट्रॉन्ग हो डजंट मैटर, 2 डिग्री में सब में कीटोन बनेगा, ध्यान देना सब में कीटोन बन जाएंगे। 3 डिग्री में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 डिग्री में माइल्ड होगा तो कोई रिएक्शन नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, ये वाले होंगे तो कुछ नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग होंगे तो भी आप कह सकते हैं कि कोई इफेक्ट नहीं, क्यों, क्योंकि और ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है तो जनरली रिएक्शन नहीं होती है, और अगर कराना ही होगा तो मिक्सचर ऑफ एसिड मिलेंगे, राइट, जिसका मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा। तो 3 डिग्री में रिएक्शन जो है वो रेयर हैं, 1 डिग्री में माइल्ड होगा तो एल्डिहाइड, स्ट्रॉन्ग होगा तो एसिड, 2 डिग्री में माइल्ड हो या स्ट्रॉन्ग कीटोन, यही 99% पूछे जाएंगे, 3 डिग्री में पूछा नहीं जाता। अगर पूछा भी जाएगा तो कैसे करना है, तो माइल्ड से तो कोई इफेक्ट नहीं, स्ट्रॉन्ग में मिक्सचर ऑफ एसिड बनाना है, अभी मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। तो ये पूरा आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। नाउ 1 डिग्री अल्कोहल में कैसे 1 डिग्री हुआ, जिस कार्बन से OH अटैच है वो कार्बन एक ही कार्बन से है क्योंकि बाकी 2 हाइड्रोजन हो गए, तो ऐसे पहचान सकते हो, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो माइल्ड लेंगे तो क्या करना है, माइल्ड के केस में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को, जिस कार्बन से OH अटैच है उस कार्बन के एक ही हाइड्रोजन को OH में कन्वर्ट करना है, ये ट्रिक का पॉइंट है। तो ध्यान से देखो, माइल्ड कौन सा है अभी बता दिया, तो माइल्ड में आप क्या करेंगे, एक ही H को OH में कन्वर्ट किया, ये वही वाला पॉइंट हो गया, एक कार्बन पे 2H है, वाटर बाहर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो इसलिए 1 डिग्री में एल्डिहाइड बनाना आपको, राइट। अगर स्ट्रॉन्ग लेंगे तो स्ट्रॉन्ग के केस में क्या करना है, वो दोनों H को OH में कर देना है, ये ट्रिक का पॉइंट है। तो ध्यान से देखो, दोनों H को OH में हमने कर दिया, अगेन एक कार्बन पे 2 OH या 2 से ज़्यादा हो गए तो एक वाटर बाहर कर दिया, तो अब एक ही OH बचा, एक कार्बन पे 1 OH हो सकता है, राइट, तो इसलिए कौन सा बन गया, ये एसिड बन गया। तो इसलिए हमने लिखा था 1 डिग्री अल्कोहल माइल्ड होगा तो एल्डिहाइड, 1 डिग्री अल्कोहल स्ट्रॉन्ग होंगे तो एसिड, कैसे करना है उसका ट्रिक यहाँ पर आपको बता दिया है। अब यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर डबल बॉन्ड वगैरह हो गए तो क्या करना है, तो ध्यान से देखो, अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डबल बॉन्ड है, तो उसको कुछ अफेक्ट नहीं करना है, सिर्फ ये वाला, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 2 ही बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन होंगे, तो इसका मतलब ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, तो एल्डिहाइड बना करके आपको छोड़ देना है, एक H को OH करके वाटर बाहर निकाल देना माइल्ड के केस में। स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होगा, ये तो ऑक्सीडाइज होंगे ही, डबल बॉन्ड भी ऑक्सीडाइज होंगे, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रखा हूँ। तो इस केस में क्या होगा, ये दोनों H OH में जाएंगे तो सी डबल बॉन्ड OH बनेगा, और चूंकि स्ट्रॉन्ग है तो ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना, आपको बता रखा हूँ, इधर भी ऑक्सीजन देना, इधर भी ऑक्सीजन देना, इसके पास हाइड्रोजन है H तो उसको OH करना पड़ेगा, इधर भी H है तो उसको OH करना पड़ेगा, तो एक ये वाला फ्रेगमेंट हो गया, ये वाला पार्ट, तो देखो CH3 और ये क्या जाएगा, सी डबल बॉन्ड OH, तो एक तो ये मिलेगा CH3 सी डबल बॉन्ड OH, दूसरा देखो इस कारण पे सी डबल बॉन्ड OH, इस कारण पे सी डबल बॉन्ड OH, तो ये मिल जाएंगे ऑक्सैलिक एसिड। तो ये पॉइंट को ध्यान से समझ लेना फॉर 1 डिग्री अल्कोहल। नाउ 2 डिग्री के केस में कैसे, जिस कार्बन पे OH अटैच है वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, राइट, या फिर उस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हुआ। तो 2 डिग्री अल्कोहल के केस में चाहे आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो या फिर स्ट्रॉन्ग लो, डजेंट मैटर, हर केस में आपको कीटोन बनाना है, डैट मीन्स करना है क्या है, इस H को सिर्फ OH में कन्वर्ट कर देना है, और एक कार्बन पे 2H हो गया तो वाटर बाहर चला जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, कीटोन। तो ये है ट्रिक का पॉइंट। नाउ सम ऑफ द एग्जांपल लिए, ध्यान से समझो, जैसे यहाँ पे तो ये क्लियर हो गया कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, CrO3 एनहाइड्रस लिखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर माइल्ड है ये
तो आपको एल्डिहाइड बनाना पड़ेगा। तो CH3CH2 यहाँ पे सी डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे ये एल्डिहाइड बना देना है। ध्यान दो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन पे OH है, तो 1 2 तीसरे कार्बन पे एक OH था, एक जो H था उसको OH में कन्वर्ट करना और एक H रह जाएगा, वही H है, राइट। और वाटर बाहर करके ऐसे कर देना। सिमिलरली इस केस में कॉपर एंड हीट अगेन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कोहल आपका 1 डिग्री है, तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको मालूम है, राइट। यहाँ पे जो कार्बन है उस पर आपका H रह जाएगा, क्योंकि ये कार्बन पे जो OH है और दो हाइड्रोजन थे, तो एक हाइड्रोजन को OH करके वाटर बाहर कर देना, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ध्यान से समझते हुए चलो, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, राइट, और PCC या PDC ले रहे हैं या कॉपर हीट कुछ भी लिए होते, ये सब माइल्ड हैं, डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करेंगे, और ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो अगेन एल्डिहाइड बनाना है, तो क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और इस कारण पे सी डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड हो जाएंगे। तो ध्यान से समझ लो, सब एग्जाम्पल लेकर के मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये जो अल्कोहल हो गया वो 2 डिग्री हो गया, राइट, क्यों, क्योंकि जिस कारण पे OH है वो दो कार्बन से अटैच है, तो इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, राइट। कॉपर हीट ले लो या PCC माइल्ड वाले जो भी ले लो, तो इस H को OH करना है, या स्ट्रॉन्ग भी होता है तो इस H को OH, एक कारण पे दो H है, वाटर बाहर कर देना है, तो आपको क्या बन जाएगा कीटोन, तो ये प्रोडक्ट बना देना आपको। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, KNO4 ले लिया है, या CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H+, यहाँ पे एनहाइड्रस नहीं है, या K2, ये सब स्ट्रॉन्ग वाले हैं, तो स्ट्रॉन्ग वाले हैं तभी बताया कि इसके सारे हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन को OH में कन्वर्ट करेंगे, फिर वाटर बाहर जाएगा, तो इस केस में आपको क्या मिल जाएगा एसिड मिल जाएगा। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन पे ये होना है, 1 2 3 पे ये, तो एसिड मिल जाएंगे। तो ये है 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए। 3 डिग्री के लिए कैसे करना है अभी मैं बताता हूँ। नाउ 3 डिग्री अल्कोहल कैसे हुआ, क्योंकि जिस कार्बन पे OH है वो कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, तो ये 3 डिग्री है। कॉपर और हीट के प्रेजेंस में वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इस केस में क्या हो जाता है एक्चुअली में इलिमिनेशन हो जाता है। कौन सी रिएक्शन हो जाती है, इलिमिनेशन रिएक्शन, और आपको क्या मिलेंगे एल्कीन। तो यहाँ पे जो OH है इसके बगल वाले कार्बन, इससे आप हाइड्रोजन लेकर के वाटर बाहर कर देना है, या फिर यहाँ से भी ले सकते हैं, राइट, बगल वाले कार्बन से, या फिर यहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये दोनों तो सेम ही है, चाहे ये हाइड्रोजन लो या ये हाइड्रोजन, तो एक प्रोडक्ट आपका कैसा बन जाएगा डबल बॉन्ड ये वाले, और दूसरा कौन सा बनेगा अगर ये वाला हाइड्रोजन हटाएंगे, तो ध्यान से देखो ये वाले, इनमें कौन मेजर होगा, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी से, हाइपर कंजुगेशन से, यहाँ पे ज़्यादा अल्फा एच है, 3 3 6 और 3 9 अल्फा एच है, तो इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट होंगे, ये माइनर होंगे, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी भी 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन ओवर हीटेड कॉपर, ऐसा वर्ड यूज कर सकता है, राइट। तो हीटेड कॉपर के साथ अगर 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कराओगे तो इलिमिनेशन हो जाएगा, जिस कारण पे OH होगा उसके बगल वाले कार्बन से H हटा करके, डैट मीन्स वाटर को बाहर करके आपको एल्कीन बना देना, और कौन मेजर होगा वो आपको समझा दिया हूँ, राइट। सिमिलरली अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, KNO4 है, K2Cr2 स्ट्रॉन्ग है, तो नो रिएक्शन, राइट। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर अगर आप दोगे तब जाकर के रिएक्शन होती है, इसलिए ये पूछा ही नहीं जाएगा, या फिर जनरली नॉर्मल कंडीशन में नो रिएक्शन। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर देंगे तब मिक्सचर ऑफ एसिड बनेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर करके सी डबल बॉन्ड OH, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ जाएगा, तो वो रेयर होती हैं, इसलिए आप बोलेंगे नो रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे कॉपर एंड हीट है, तो अगेन हो जाएगा, बट ये 3 डिग्री है, तो ये कार्बन पे OH है, तो इधर भी हाइड्रोजन है, राइट, तो इससे ले सकता हूँ, और इधर लूँ या इधर लूँ सेम ही बात है, तो आपको दो टाइप के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, राइट। इधर में ये डबल बॉन्ड प्लस एक ये वाले, तो ये ज़्यादा मेजर होगा, क्यों, क्योंकि इसमें अल्फा है ज़्यादा है, तो इस तरीके से करना है, बट यही 3 डिग्री का KNO4 से, तो आप क्या बोल देंगे नो रिएक्शन। नाउ ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो, ये 1 डिग्री अल्कोहल हुआ, कॉपर हीट है, तो एल्डिहाइड तो बनाएंगे, तो करना है कि आपको ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन और कार्बन का एक हाइड्रोजन, ये H2 के फॉर्म में यहाँ पे बाहर करना है, ध्यान दें H2O नहीं, H2 के फॉर्म में बाहर करना है, तो ये H चले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा CH3, ये सी डबल बॉन्ड O और एक H रह जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको डीहाइड्रोजिनेशन। नेम पे ध्यान देना, डी मतलब बाहर निकलना, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे बाहर जाता है, ये
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। वैसे ही अगेन 2 डिग्री अल्कोहल है, कॉपर हीट है, तो अगेन ऑक्सीजन का ये H और कार्बन का ये H हाइड्रोजन के फॉर्म में चला जाएगा, तो ये भी डिहाइड्रोजिनेशन ही है और बन क्या जाएगा आपका कीटोन बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो सी एच थ्री कीटोन बन जाएंगे। बट इन केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल कॉपर हीट है तो इलिमिनेशन होता है। इलिमिनेशन में क्या होगा, ये पूरा OH जाएगा एक, और इस कार्बन का यहाँ पे तीनों कार्बन सेम ही है तो एक हाइड्रोजन जाएगा, तो वाटर बाहर जाएगा, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन। तो पूछा जा सकता है ओवर हीटेड कॉपर 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल होता है तो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती है, 3 डिग्री होता है तो डिहाइड्रेशन, क्योंकि वाटर जाता है, तो ये ध्यान रखना। और इस केस में आपका सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड सी एच टू सी एच थ्री एल्कीन बन जाएगा, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। वैसे ही अगेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फिनॉल, तो फिनॉल की रिएक्शन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक केवेनो फोर के टू सी आर टू ओ सेवन इन सब से अगर कराओगे तो बेंजो किनोन मिल जाएगा। डैट मीन्स ये वाला डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर देना इधर, ये इसको इधर शिफ्ट कर देना और इधर वाला डबल बॉन्ड ओ कर देना जो यहाँ पे बनाया, तो इम्पॉर्टेंट है ये, सिर्फ स्ट्रॉन्ग होगा तभी ऐसा होगा, अदरवाइज वीक या माइल्ड में नहीं होगा। और अगर जिंक वगैरह ले लिए जिंक डस्ट, तो ये ओ को जिंक खा जाएगा जेड एन ओ बन जाएगा, तो सिर्फ बेंजीन मिल जाएगा। तो ये ज्ञान की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, तो एल्केन में ध्यान से देखो अगर एलिफेटिक होगा तो वो जो हाइड्रोजन होना चाहिए वो 3 डिग्री वाले कार्बन से अटैच होना चाहिए तभी होगा। जैसे यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है वो 3 डिग्री वाला एक हो गया, क्यों, क्योंकि जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन तीन कार्बन से अटैच है। तो आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक केवेनो फोर या के टू सी आर टू ओ सेवन, राइट, ये सब यूज करेंगे तो ये H को OH कर देना, अल्कोहल मिल जाएगा। ध्यान दें जब 3 डिग्री होगा तो 2 डिग्री वाले होंगे 1 डिग्री तो नो रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो ये 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन है, ये 2 डिग्री वाले हैं, ये 2 डिग्री ये 1 डिग्री, तो इस केस में नो रिएक्शन, कट मार दिया नो रिएक्शन, ओनली 3 डिग्री वाले को करना है एलिफैटिक में। नेक्स्ट वन इज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइड चेन ऑक्सीडेशन, और ये कई बार पूछा जाता है। बेंजीन से जो कार्बन अटैच है उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए तभी ये होगा, डेफिनेटली फिर ये sp3 होगा, राइट, एल्केन की बात कर रहे हैं हम। तो अगर बेंजीन से जो कार्बन अटैच है उसके पास कम से कम, ध्यान दें, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होगा तभी ये होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक केवेनो फोर या के टू सी आर टू ओ सेवन यूज करेंगे तो कुछ नहीं करना आपको, ये सी डबल बॉन्ड OH कर देना है, बाकी सबको बाहर कर देना है, तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे तो बेंजीन के बगल में कार्बन है, इस कार्बन पे बाय द वे दो हाइड्रोजन है अभी, केवेनो फोर इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम लेंगे, तो ये सब को हटा देना, बस ये कार्बन पे सी डबल बॉन्ड OH कर देना है, बाकी का क्या हुआ वो बाय प्रोडक्ट है, उससे मतलब नहीं है, ये बन जाएगा आपका, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे यहाँ पे ध्यान से देखो तो अगेन इस कार्बन पे तो तीन तीन हाइड्रोजन है, इस पे भी हैं, तो ऐसे केस में फिर क्या करोगे आप, दोनों जगह सी डबल बॉन्ड OH कर देना है। और कैसे हुआ, तो वेरी इजी, यहाँ पे तीन H थे, राइट, वैसे ही सोच सकते हो H को OH करेंगे OH करेंगे OH कर देंगे, राइट, और एक कण पे दो H अनस्टेबल, तो वाटर आप जब बाहर करोगे तो वही आ जाएगा, ऐसे आप थिंक कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे ध्यान से देखो तो अगेन ये साइड चेन ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये जो कार्बन है इसके पास बाय द वे एक हाइड्रोजन बचा है, तो फिर आपका रिएक्शन हो जाएगा और कुछ नहीं करना, बस सी डबल बॉन्ड OH कर देना है, इस कार्बन को पकड़ना बाकी को हटा देना, राइट, तो दिस इज कॉल्ड साइड चेन ऑक्सीडेशन। अगर इस केस में सब जो ऐसा होता तो फिर रिएक्शन जल्दी नहीं होती, वेरी ड्रास्टिक कंडीशन में होगा, नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं होंगी। नाउ ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर टॉलुइन अगर आपने लिया, डैट मीन्स बेंजीन पे अगर एक सी एस थ्री ग्रुप है तो इसको बोलते हैं टॉलुइन, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो क्या करना है, अल्डिहाइड बनाना है। तो जैसे इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो बेंजीन है एज इट इज, इस कार्बन पे जो तीन हाइड्रोजन थे उसमें से दो ही हाइड्रोजन को OH में कन्वर्ट करके वाटर बार कर देंगे तो सी डबल बॉन्ड OH, ये बन जाएगा अल्डिहाइड। इसको बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं ट्रिक्स दे रखा हूँ नेम रिएक्शन में, ओके। वैसे ही अगर ये लें इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड तो भी आपको यही प्रोडक्ट बनाना है। तो ये सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनते हैं। नेक्स्ट अगर
लाइट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन हो तो सबसे पहले आपको क्या कराना पड़ेगा, फोटो हेलोजिनेशन, डैट मीन्स ये वाले कार्बन पे जो दो हाइड्रोजन है उसको Cl से रिप्लेस कर देना है। और फिर चूंकि यहाँ पे वाटर दिया है तो हाइड्रोलिसिस, तो बता रखा हूँ लेस को मोर, मोर को लेस, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको H, इसको OH, फिर ये बॉन्ड पेयर करके इसको H, इसको OH, तो क्या हो गया अगर आप ध्यान से देखो तो आप ऐसे थिंक कर सकते हो, इस कार्बन पे दो OH आ गए, वाटर को आपको बाहर कर देना है तो फिर से क्या मिल जाएगा आपको, एल्डिहाइड। तो ये तीनों से ही बेंजल डिहाइड मिलेंगे, इम्पॉर्टेंट है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। नाउ नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, राइट। तो ये एल्डिहाइड हो गया आपका, तो एल्डिहाइड के लिए बहुत सारे एजेंट यूज कर सकते हैं, जैसे KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H+ ये भी यूज कर सकते हैं, या सिर्फ नाइट्रिक एसिड लिख दे क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर +5 में है तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। AgNH3O2 उस पर +4, डेट मीन सिल्वर यहाँ पे +1 में होना चाहिए, जिसको बोलते हैं टॉलिंस रिएजेंट, इसके बारे में एक वीडियो लेक्चर बना रखे हैं, राइट, टेस्ट से रिलेटेड। वैसे ही फेलिंग टेस्ट वाले कॉपर +2 एक्वस एक्टिव होते हैं, राइट। तो इन सब केस में आपको क्या करना है, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देना है, डैट मीन्स सब में प्रोडक्ट क्या हो गए, CH3, CH2, ये सी डबल बॉन्ड हो, ये जो H था आपका उसको OH कर देना है, तो ये बन जाएगा आपका। अगर बेसिक मीडियम होगा तो ये H हटा कर करके सिर्फ आपको एनायन फॉर्म में रखना है, एसिडिक मीडियम लोगे तो फिर ये बन जाएंगे, तो हर केस में एसिड बन जाएगा, ये ध्यान रखना है। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो फेलिंग टेस्ट में बता रखा हूँ, अगर बेंजल डिहाइड लेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, किससे, सिर्फ फेलिंग वाले से, बाकी सब से होगा। तो क्लियरली समझ लेना कि अगर एल्डिहाइड होंगे तो सब केस में एसिड मिलेगा, इन केस ऑफ बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड के केस में ये वाले केस में फेलिंग टेस्ट नहीं देगा, बाकी सब में हो जाएंगे, आपको एसिड बनाना है। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। बेटा ये जो ऑक्सीडेशन वाले हैं जिसमें हमने अल्कोहल, एल्केन और एल्डिहाइड को डिस्कस किया, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर बेस्ट क्वेश्चन आए हैं, जो कंसेप्ट समझाया हूँ, जो रिएजेंट दिया हूँ, बस उतना ही ध्यान रखना है, उससे बाहर कुछ नहीं है। इस पर बेस्ट बहुत सारे प्रॉब्लम आप PYQ के ईजिली कर सकते हो। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसा काय, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अल्डोल या अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में, एंड जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा उससे आप इस रिएक्शन के रिएक्टेंट को, रिएजेंट को इजीली पहचान जाएंगे, एंड इसके प्रोडक्ट को विदाउट मैकेनिज्म आप बना सकते हैं। तो कैसे, ध्यान से देखिए, अगर रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट के बारे में बात करें तो इट्स वेरी सिंपल, एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप हैविंग अल्फा हेच। तो डैट मीन्स जिस कार्बन पे सी डबल बॉन्ड ओ होगा उसके बगल वाले कार्बन, आइदर साइड, राइट, अगर हाइड्रोजन होगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा और अगर कार्बन होगा तो कीटोन हो जाएंगे, राइट। तो एल्डिहाइड या कीटोन हैविंग अल्फा हेच, तो जिस कार्बन पे सी डबल बॉन्ड ओ है उसके बगल वाले कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, बट द कंडीशन इज कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp3, डेट मीन्स ये चारों के चारों बॉन्ड इसके सिंगल होने चाहिए और इसके पास एटलीस्ट वन हाइड्रोजन होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यू नो तीन हो सकता है, राइट। तो ये हो गया आपका रिएक्टेंट या सब्सट्रेट जो रिक्वायर्ड है अल्डोल या अल्डोल कंडेंसेशन के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे क्या यहाँ पे होगा, तो सी डबल बॉन्ड ओ है, राइट, राइट साइड में हेच है तो ये एल्डिहाइड हो गया, तो इधर तो है ही नहीं अल्फा हाइड्रोजन, ये कार्बन आपका अल्फा कार्बन हुआ, sp3 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन इसके पास बाय द वे दो है, तो ये अल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे या अल्डोल शो करेगा। वैसे अगर मैं इसको चेक करूँ तो सी डबल बॉन्ड ओ आ गया, इसके इधर भी कार्बन है तो दोनों साइड ले सकते हैं, यहाँ पे भी बाय द वे हाइड्रोजन है और sp3 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और sp3 है, तो ये भी शो करेंगे। क्या ये शो करेगा, तो सी डबल बॉन्ड ओ है, राइट, इधर तो हाइड्रोजन हो गया जबकि कार्बन चाहिए पहले, इधर ये कार्बन तो है बट इसकी हाइड्रेशन आप देख सकते हो sp2 है और बाय द वे यहाँ पे हाइड्रोजन भी नहीं है, तो ये अल्डोल शो नहीं करेगा। सिमिलरली अगर मैं इसमें देखूँ तो सी डबल बॉन्ड ओ है, राइट साइड में तो हाइड्रोजन ही, सिर्फ कार्बन है ही नहीं, इधर कार्बन था, sp3 हाइड्रेशन भी है बट ये मिथाइल ग्रुप है, राइट,
तो यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये भी नहीं शो करेगा। तो पहले आपको रिएक्टेंट या सब्सट्रेट क्लियर हो गया कि अल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप आपको दिख जाए, और हैविंग अल्फा हैच डेट मीन्स सी डबल बॉन्ड ओके बगल वाले कार्बन पे आइदर साइड पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए और एटलीस्ट वन हाइड्रोजन होना चाहिए, तो वो आपका रिएक्टेंट होगा। रिएजेंट वेरी सिंपल है, बेसिक मीडियम आपको लेना है। रिएजेंट जो होना चाहिए वो बेसिक या एल्कलाइन मीडियम होना चाहिए। इसको देने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है। कोई भी बेस दे देगा, जैसे NOH, KOH, कोई भी मेटल का हाइड्रोक्साइड दे दे आपको, या फिर OH- एक्वस लिख दे, या फिर NOH वाटर लिख दे ऐसा, राइट। सब वाटर में सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे, या बेरियम हाइड्रोक्साइड, या फिर ऐसे भी दे सकता है स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बना हुआ सॉल्ट। चूँकि स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो जो स्ट्रॉन्ग होंगे वो जीतता है, तो इसलिए सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। जैसे Na2CO3 एक एग्जाम्पल हमने दिया है, K2CO3, देर आर सो मैनी, राइट। आपको पहचान देना, बेसिक मीडियम क्रिएट करना है। RO- वाटर अल्कोहल से H हटा करके दे तो वहाँ पे भी हो सकता है, या डाइल्यूट NOH, डाइल्यूट KOH। तो ये सब ओवरऑल कहने मतलब कि बेसिक मीडियम होना चाहिए इसका रिएजेंट, क्लियर है। प्रोडक्ट क्या बनाना है, तो वो भी वेरी सिंपल है। अगर हीट नहीं गिवन है एरो पे, ध्यान दे, अगर हीट नहीं गिवन है तो आपको अल्डोल सिर्फ प्रोडक्ट बनाना है। व्हाट डू यू मीन बाय अल्डोल? जिस कार्बन पे सी डबल बॉन्ड ओ होगा उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा और उसके बगल वाले को बीटा बोलते हैं, राइट। तो बीटा पे OH होगा और ये अल्डिहाइड या कीटोन, अगर यहाँ पे H हुआ तो अल्डिहाइड, कार्बन हुआ तो कीटोन, इसलिए इसका नाम पड़ा अल्डोल। ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्डिहाइड होंगे, ये कॉमन नेम है, कीटोन भी होगा तो भी उसको अल्डोल ही बोल देते हैं। तो क्वेश्चन इज कि कैसे प्रोडक्ट आप प्रिडिक्ट करेंगे, तो जिस कार्बन पे सी डबल बॉन्ड ओ रखोगे उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा, उसके बगल वाले कार्बन को बीटा, तो बीटा पे आपको OH होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू सी डबल बॉन्ड ओ, विथ रेस्पेक्ट टू सी डबल बॉन्ड ओ के रेस्पेक्ट में बीटा पे OH होना चाहिए। तो अल्डोल प्रोडक्ट बनाएंगे, और कब बनाएंगे, जब कोई हीट नहीं गिवन होगा। अगर हीट दे दिया आपको इस टाइप से साइन में या लिख दिया, तो उस केस में आपको वाटर को बाहर करना है। और कैसे वाटर को बाहर करेंगे, तो अल्फा से H ले लेंगे आप और बीटा से OH, वाटर बाहर कर देंगे और अल्फा बीटा के बीच क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, इसलिए इसका नाम हो जाएगा अल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब क्या हो गया, वाटर बाहर चला गया, कंडेंस हो गया, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड या कीटोन। तो एक प्रोडक्ट आप इजली पहचान लोगे, जिस कार्बन पे सी डबल बॉन्ड होगा उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा, उसके बगल वाले को बीटा, तो इनके बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए। प्रोडक्ट में इतना चीज फिक्स है, बाकी चीजें होंगी वो ठीक है, इतना होना चाहिए। डबल सिंगल डबल रेजोनेंस भी हो रही है, तो ये होगा ही। ये कब बनाएंगे, जब हीट गिवन होगा कंडेंसेशन, और ये कब बनाएंगे, जब हीट नहीं गिवन होगा, तो वाइस वर्सा, जैसे ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करके बीटा पे OH करना है। तो ये आपको हमने रिएक्टेंट, रिएजेंट एंड प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कराना सिखा दिया। अब हम ट्रिक की बात करते हैं कि कैसे विदाउट मैकेनिज्म आप प्रोडक्ट ड्रॉ करेंगे। नाउ वो ट्रिक्स या कंसेप्ट जिसके लिए रफ़ी सर जाने जाते हैं, तो ध्यान से देखो ट्रिक्स का पॉइंट क्या है, कि आपको ऑलवेज रिएक्टिविटी अल्डिहाइड की ज़्यादा होगी कीटोन से, इस बात का ध्यान रखना, अल्डिहाइड ऑलवेज ज़्यादा रिएक्टिव होंगे कीटोन से। सेकेंड थिंग कि आप रिएक्टिविटी को और कैसे पहचान सकते हैं, अगर सेम अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, तो सी डबल बॉन्ड हो तो फिक्स है, उसके बगल वाले कार्बन पे जाना है, अगर उस पर -I या -M ग्रुप होंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर +M या +I ग्रुप होंगे, डैट इज मिथाइल ग्रुप होंगे, तो फिर रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। उसी को मैंने यहाँ पे एक पॉइंट से समझाया है कि ये सी डबल बॉन्ड ओ है तो ये कैसे ब्रेक हो जाएंगे प्लस में और माइनस में, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे पॉजिटिव। अब हम क्या चाहते हैं रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए, कार्बन पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होना चाहिए, तो पॉजिटिव इंक्रीज होगा तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा, इसलिए इससे जो ग्रुप लगे होने चाहिए वो कैसे इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले, तभी पॉजिटिव इंक्रीज होगा, इसलिए -M या -I रिएक्टिविटी को इंक्रीज कराते हैं, +M या +I रिएक्टिविटी को डिक्रीज कराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें पूछा जाए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो ध्यान से देखो ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन है, अगेन ये अल्डिहाइड है, बट इस अल्डिहाइड में अल्फा कार्बन पे ये ग्रुप जो है वो -I ग्रुप है, इसलिए सबसे ज़्यादा आपका रिएक्टिव 3 होगा। उसके बाद अल्डिहाइड कीटोन में फिक्स है, अल्डिहाइड आगे आएंगे तो 1 होगा, और लास्ट में फिर आपका कीटोन होगा रिएक्टिविटी ऑर्डर में। इसका क्या यूज है अभी मैं समझाता हूँ। एक पॉइंट का ध्यान रखना, अगर सिर्फ एक ही अल्फा हैच होंगे तो उस केस में सिर्फ अल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा, अल्डोल कंडेंसेशन नहीं मिल सकता, क्योंकि कंडेंसेशन होने के लिए वाटर को बाहर जाना है तो उसके लिए मिनिमम 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसलिए अगर एक ही अल्फा हैच है तो अल्डोल बनाएंगे। नाउ ये रिएक्टिविटी क्यों समझाया, क्योंकि अगर
दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, तो उसमें से ट्रिक का पॉइंट यह है कि मोर रिएक्टिव वाले का सी डबल बॉन्ड ओ सामने आपको करना है, राइट। अगर डिफरेंट आपको पास एल्डिहाइड कीटोन गिवन है तो इन दैट केस मोर रिएक्टिव वाले का सी डबल बॉन्ड ओ को सामने करेंगे और लेस रिएक्टिव वाले का अल्फा कार्बन का 2H सामने करना है और ये 2H और ये ओ को वाटर के फॉर्म में बाहर कर देना है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें एक कीटोन गिवन है और एक एल्डिहाइड गिवन है, बेसिक मीडियम हो गया तो एल्डिहाइड कीटोन बेसिक मीडियम मतलब अल्डोल हो गया, राइट। अल्फा हाइड्रोजन भी है तो ये परफेक्ट कंडीशन है। तो अब इस केस में क्या करेंगे, तो वहाँ पे ये पॉइंट लगेगा जो मोर रिएक्टिव है, डेफिनेटली एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है तो इसका मैंने सी डबल बॉन्ड ओ सामने किया ध्यान से देखो, और जो लेस रिएक्टिव है उसका जो अल्फा कार्बन है उसका दो हाइड्रोजन को सामने किया, ये अल्फा कार्बन हो गए उसका दो हाइड्रोजन को और वाटर के फॉर्म में देखो बाहर कर दिया। तो जैसे ही वाटर के फॉर्म में बाहर करोगे प्रोडक्ट देखो अपने आप बन जाएगा आपको विदाउट मैकेनिज्म। तो ये सी डबल बॉन्ड हुआ, ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा बीटा के बीच क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बन गया। अगर इसका सिर्फ अल्डोल बनाना होता तो आप क्या करते, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देते और बीटा पे OH डालना था, राइट। तो क्या हो जाता, यहाँ H CH3, राइट, और आपका ये C और ये C डबल बॉन्ड हो और ये CH3, ये अल्फा ये बीटा पे सिर्फ क्या डाल देते OH, तो यहाँ पे क्या जाता H। तो ये सिर्फ अल्डोल कहलाता, ये अल्डोल कंडेंसेशन है, हीट अगर गिवन होगा तो कंडेंसेशन, हीट नहीं होगा तो अल्डोल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसलिए वेरी सिंपल है ये। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे यहाँ पे हमने लिया तो एक एल्डिहाइड गिवन है, तो ध्यान रहे कि आपको एक मॉलिक्यूल करके देगा बट वी नो दो मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे, तो इसके दो मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है। चूँकि यहाँ पर दोनों सेम है इसलिए आपको फिर इसका प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी एक का सी डबल बॉन्ड ओ सामने कर दो और किसी एक का अल्फा हाइड्रोजन का दो हाइड्रोजन बाहर कर दो और H2O के फॉर्म में निकाल दो, तो ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो अगर डिफरेंट होंगे तो मोर रिएक्टिव का सी डबल बॉन्ड ओ सामने करो, लेस रिएक्टिव का दो हाइड्रोजन, वाटर बाहर कर दो, प्रोडक्ट आपका बन के तैयार है विदाउट मैकेनिज्म। और अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम है तो किसी एक का सी डबल बॉन्ड ओ सामने करो और दूसरे का अल्फा कार्बन का दो हाइड्रोजन सामने कर करके आप निकाल दो। अगर एक ही हाइड्रोजन होता तो भी आप इतना बना लो, उसके बाद आपको बताया वो डबल बॉन्ड को ब्रेक कर करके बीटा पे OH दे दो, अल्फा पे जो ग्रुप लगे होंगे वो लगा दो। तो आई होप मेरा ये ट्रिक क्लियर होगा। नाउ अल्डोल या अल्डोल कंडेंसेशन दो टाइप से हो सकता है, एक होगा इंटरमॉलिक्यूलर और एक होगा इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर में दो मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे, अगर सेम मॉलिक्यूल है तो आपको एक ही मॉलिक्यूल देगा वो, आपको बाय डिफॉल्ट सोचना है दो मॉलिक्यूल, और अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है तो आपको दिख जाएगा। तो इसमें करना क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ये लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक ही मॉलिक्यूल है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें दो मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। बेसिक मीडियम और हीट है तो अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाना है, सी डबल बॉन्ड है, अल्फा H है, अब अल्फा H यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, कौन सा लिया जाए। तो यहाँ पर वाला हम अभी नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब नेगेटिव आएगा तो वो अनस्टेबल होगा ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ दिस CH3, बट यहाँ पे कोई नहीं लगा हुआ है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा नेगेटिव। इसीलिए आपको बता रखा हूँ ट्रिक, एक बार एक मॉलिक्यूल का मैंने सी डबल बॉन्ड हो सामने किया, ध्यान से देखो सी डबल बॉन्ड हो तो ये वाले कार्बन पे क्या क्या है, एक CH3 और एक ET, तो एक CH3 और एक ET लगा दिया हमने, राइट, और उसका सी डबल बॉन्ड हो सामने कर दिया। दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा H जो ज़्यादा स्टेबल वाला होगा, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है तो इसका दो H सामने किया, एक H रहेगा CH, सी डबल बॉन्ड हो एज इट इज, बाकी को लिख देना और H2O को बाहर कर देंगे, तो ये प्रोडक्ट आपका बन करके तैयार हो गया विदाउट मैकेनिज्म। ध्यान से देखो तो अल्फा बीटा के बीच अनसेचुरेशन आ गया, अगर हीट नहीं होता तो ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे OH दे देते, यहाँ पे H, प्रोडक्ट आपका बन के तैयार। तो ये है इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर आपको कहाँ पे थिंक करना है, तो इसमें एक ही मॉलिक्यूल रहेगा बट एक मॉलिक्यूल कंटेन करेगा मोर देन वन एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप। इसमें एक ही एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होंगे एक मॉलिक्यूल में, इसमें एक मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होंगे। दूसरा आपको इम्पॉर्टेंट है ये कि आपको देखना है कि 5 या 6 मेंबर रिंग बन रही है कि नहीं, क्योंकि वही स्टेबल होती हैं, तभी आपको इंट्रा कराना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये, तो ध्यान से देखो एक मॉलिक्यूल में हमारे पास दो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप ऐसे याद रख सकते हो, इंटर सिटी होता है तो दो सिटी को कनेक्ट करते हैं इसलिए दो मॉलिक्यूल, और इंट्रा में सिर्फ एक मॉलिक्यूल, राइट।
तो यहाँ पे अब वी नो कि ये जो अल्डिहाइड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और ये जो कीटोन है वो लेस रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव वाले का हेच लेना है। अब हेच यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी, दोनों अल्फा हेच है। बट अगर आप यहाँ से लोगे तो ध्यान से देखो, यहाँ से अगर आप लोगे तो कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी, ध्यान से देखो, एक ये खुद, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः और ये सात, सात मेंबर की रिंग आपको नहीं बनाना है, इसलिए ये वाला हम नहीं लेंगे। तो ये वाला लेना पड़ेगा और ये वाला लोगे तो यहाँ से यहाँ, अब ध्यान से देखो, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पाँच, पाँच नंबर रिंग बन जाएगी, राइट। इसका दो हाइड्रोजन और इसका सी डबल बॉन्डो गायब हो जाएगा। तो आप कैसे प्रोडक्ट बनाना है, वेरी सिंपल है, एक पाँच मेंबर की रिंग आप बना दें पहले, ये बना दिया। अब ध्यान से देखो, ये जो कार्बन का दो हाइड्रोजन है और इसका सी डबल बॉन्ड हो वो तो गायब हो जाएगा, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड आएंगे, राइट। तो किसी भी कार्बन पे उसका दिया बाहर है, क्योंकि ये रिंग का पार्ट नहीं है, बाहर है, क्या है, सी डबल बॉन्ड हो CH3, तो ये हमने लिख दिया। और ध्यान से देखो, जिस कार्बन पे सी डबल बॉन्ड हो उसके अल्फा और बीटा में डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे आपको दे देना है। और ध्यान से देखो, जिस कार्बन पे आप डबल बॉन्ड लाए हो उसके बगल में फिर नेक्स्ट कार्बन पे मिथाइल है, तो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, ऐसे आपको कर लेना है। या फिर आप नंबरिंग कर लिया करो, जहाँ से इससे अल्फा हेच है यहाँ से निकालोगे तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो आप नंबरिंग कर लो, 1 पे ये वाला ग्रुप था इसलिए ये 1, राइट। उसके बाद ये आपका 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो चूंकि 1 और 5 के बीच डबल बॉन्ड बन गया, जो आप देख रहे हो 4 पे एक मिथाइल है, तो ऐसे नंबरिंग करके भी कर सकते हो, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, विदाउट मैकेनिज्म आप कर सकते हो। नाउ अब हम एप्लीकेशन की बात करेंगे। नाउ एप्लीकेशन, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे OH- बेसिक मीडियम और हीट है, यहाँ पे अल्डिहाइड है, यहाँ पे भी अल्डिहाइड है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये अल्डोल के लिए परफेक्ट कंडीशन है। अब यहाँ पे यू नो कि ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, राइट। वैसे भी इसके पास अल्फा हेच है ही नहीं, तो डेफिनेटली इसका ये मुझे अल्फा हेच लेना पड़ेगा, ये वाला दो हाइड्रोजन, राइट, यहाँ पर वाले। तो आपको क्या क्या बताया है कि जो मोर रिएक्टिव है उसका सी डबल बॉन्ड ओ सामने कर दो, तो ये हेच हेच हो गए। जो लेस रिएक्टिव है उसका दो हाइड्रोजन सामने किया, तो देखो ध्यान से, इस कार्बन पे और क्या है, एक CH3 है और एक और क्या है, ये सी डबल बॉन्ड OH, ऐसा आप लिख दो और ये वाटर आप बाहर कर दो, आपका प्रोडक्ट बन करके तैयार हो चुका है। तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखो, सी पे ये दो हेच रहेगा, ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, राइट। इस सी पे CH3 है और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड OH है, ध्यान से देखो, तो ये सी डबल बॉन्ड हो, ये अल्फा बीटा के बीच आपका अनसेचुरेशन आ गया डबल बॉन्ड, तो इस टाइप से आपको प्रोडक्ट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान से देखो, तो ये है OET-, ये भी बेसिक मीडियम के लिए और हीट है, तो अल्डोल कंडेंसेशन कराना पड़ेगा आपको। ध्यान से देखो, तो दोनों कीटोन है, तो इसलिए में कोई झंझट नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों की रिएक्टिविटी सेम है। अब यहाँ पे समझना है कि एक का सी डबल बॉन्ड सामने करना और एक का दो हाइड्रोजन, अब ये वाला करोगे या ये वाला, ये आपको ध्यान देना। अगर ये वाला मैं करता हूँ तो ध्यान से देखो कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी, एक ये खुद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 नहीं बना सकते, इसलिए ये वाला नहीं करना, तो हमें ये वाला करना पड़ेगा, तो ये वाला करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ आपको अटैच करना है, 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी, ध्यान से देखो कैसे, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, तो आप 5 मेंबर की रिंग पहले बना दें। ध्यान से देखें, ये वाले जो कार्बन है इससे सी डबल बॉन्ड ओ एमी है, राइट। आपको बता रखा हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ के बगल वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा और ये डबल बॉन्डेड वाला, ये जो सी डबल बॉन्ड है इस पर एक एमी लगा है, तो एक मिथाइल ग्रुप लगा देना, तो ये आपका प्रोडक्ट बन करके तैयार हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये अगेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा, एक ही अल्फा हेच है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो वैसे भी यहाँ पे हीट नहीं दिया, अगर हीट देता भी तो हम कंडेंसेशन प्रोडक्ट नहीं बनाते, सिर्फ अल्डोल। तो आपको कैसे करना, आपको मानना है कि यहाँ पे एक और हाइड्रोजन है, बाय द वे कार्बन पांच बॉन्ड नहीं बनाएगा, जस्ट हाइपोथेटिकल थिंकिंग लेना आपको। तो एक बार आपको क्या करना है, सी डबल बॉन्ड हो सामने क्या, तो ध्यान से देखो हेच, और ये कार्बन पे आपका ये ऐसे रह जाएगा। दूसरी बार यहाँ पर वाले जो कार्बन है, राइट, इस पर मानना है कि दो हाइड्रोजन है, जस्ट अभी हमें बता रहा हूँ, और इस पर दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए थे और ये सी डबल बॉन्ड OH है, और आपको वाटर बाहर कर देना, राइट। तो ध्यान से देखो क्या प्रोडक्ट बन गया, इधर हेच, इधर आपका ये लग गया, ये सी डबल बॉन्ड सी, जस्ट हाइपोथेटिकल अभी लेके चल रहा हूँ मैं, ये वी नो कि पाँच बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो इसको आपको क्या करना है, ब्रेक कर देना है, राइट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, और ये हेच था नहीं चूँकि दोनों मिथाइल थे, तो ये हो जाएंगे, तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट, ऐसे आपको कर देना है, राइट।
क्वेश्चन नंबर फोर में, अब यहाँ पे ये कीटोन है, OH माइनस हीट, अल्फा हाइड्रोजन है, बाय द वे दोनों तरफ सेम ही है, एक मॉलिक्यूल नहीं है, आपको मालूम है दो मॉलिक्यूल आपको लेना पड़ेगा। तो एक बार आपको क्या करना है, सी डबल बॉन्ड O सामने करना राइट, और एक बार अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन। तो ध्यान से देखो, जब आप हाइड्रोजन सामने करेंगे तो आपको एक छः मेंबर रिंग बना लेनी है, और इसका चूंकि हाइड्रोजन सामने करना, ये दो हाइड्रोजन और ये वाटर के फॉर्म में आपको बाहर कर देना है। तो आप ध्यान से देखो आपको क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपको इस टाइप से रखना है राइट, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड के थ्रू आ जाएंगे और ये इस टाइप से रहेंगे, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा विदाउट मैकेनिज्म। और इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन मतलब यू नो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये पाई हैं और ये भी पाई हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा, फोर पाई इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव में, ये गिवन है, ये आपका एल्डिहाइड हो गया NOH, ध्यान दें यहाँ पे हीट नहीं है, तो अल्डोल प्रोडक्ट बनाना है, डेफिनेटली ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। तो आपको क्या बोला था कि आप क्या करेंगे, इसका आपको दो हाइड्रोजन सामने में लेना पड़ेगा, तो इसको एज इट इज़ रखना है, इसका ये जो दो हाइड्रोजन है वो दिखाओ, और इसका सी डबल बॉन्ड वो सामने में कर दो, एक H है एक CH3 और वाटर बाहर निकाल दो। तो अभी टाइम बीइंग क्या बन जाएगा, ये ध्यान से देखो आप, तो इधर ये दो लगे होंगे सी डबल बॉन्ड हो, इधर में सी डबल बॉन्ड सी राइट, ये बन गया, और इस पे H है और इधर में CH3 है, ये हो जाएंगे। बट यू नो ये कब बनाते हैं, जब कंडेंसेशन होता है, यहाँ पे हीट नहीं है, तो आपको बोला था ये पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, और ये अल्फा हो गया, और बीटा पे OH रखना है। तो एक्चुअल प्रोडक्ट आपको क्या बनाना पड़ेगा, ध्यान से देखो, ये सी डबल बॉन्ड हो, ये रहेंगे यहाँ पे, इस कार्बन से जो कार्बन अटैच है, पाई बॉन्ड ब्रेक किया, H था, इस पे OH लाना और CH3 था, तो इस टाइप से आपको बनाना पड़ेगा, यहाँ पे बाय द वे H आ जाएंगे, तो ये एक्चुअल प्रोडक्ट होगा। और अगर कंडेंसेशन होता, हीट होता, तो फिर ये प्रोडक्ट बनाते हैं। वैसे ही क्वेश्चन नंबर सिक्स में अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हमें क्या कराना पड़ेगा, इंट्रा, कैसे, ध्यान से देखो, एक से ज़्यादा एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है, अब यहाँ पे चूंकि ये एल्डिहाइड है, ये मोर रिएक्टिव है, तो इसका सी डबल बॉन्ड हो सामने करना है। अब अल्फा हाइड्रोजन किसका लेना है, अगर मैं इसका, इधर तो है नहीं, इसका लूँ तो रिंग जो होगी वो 3 या 4 मेंबर रिंग होगी, तो इसलिए इसका नहीं लेंगे, और इधर से भी नहीं ले सकते क्योंकि ये भी रिंग 4 मेंबर की हो पाएंगे, हमें 5 या 6 बनाना है, तो यहाँ से लेना पड़ेगा, तो ये वाला जो है वो इनसे अटैच हो जाएंगे। तो ध्यान से देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो 6 मेंबर की रिंग, और ये थाई, तो ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ये 6 मेंबर की रिंग थी, और ये दोनों जब अटैच हो जाएंगे तो यहीं पर आपको एक और 6 मेंबर का रिंग बना देना है, बना दिया राइट। अब ध्यान से देखो, ये जब सी डबल बॉन्ड ओ सामने किया, तो ये हो गया अल्फा, ये बीटा, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड सामने करना राइट, अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड, क्योंकि H प्लस हीट है, और इसका जो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ था वो ऐसे ही रहने देना, इस पर कुछ चेंज नहीं करना है, तो ये आपका प्रोडक्ट बन करके तैयार हो गया, ध्यान दो, विदाउट मैकेनिज्म। तो ये है रफ़ी सर के ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे ध्यान से देखो, अगेन दो फंक्शनल ग्रुप हैं एक ही मॉलिक्यूल में, OH भी है, हीट है, तो कंडेंसेशन कराना है राइट, और इंट्रा कराना पड़ेगा। अब यहाँ पे चूंकि दोनों सेम है, तो कोई भी ले सकते हो रिएक्टिविटी में, तो ये मान लो इसका दो हाइड्रोजन अगर आपने लिया और इसका ऑक्सीजन, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट चाहे कुछ भी कर लो 7 मेंबर रिंग बनेगी, कैसे, ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एक ही आपका 6 मेंबर का रिंग रह जाएगा, और एक आपको 7 मेंबर का रिंग बनाना है, ये ध्यान दे, तो ये बना दिया, ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, इस कार्बन पे जहाँ पे सी डबल बॉन्ड OH लिया, तो डेफिनेटली ये सी डबल बॉन्ड हो गया ये यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, पाई बॉन्ड, क्योंकि ये अल्फा बीटा के बीच अनसेचुरेशन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में अगेन आप ध्यान से देखो, बैरियम हाइड्रोक्साइड हीट है, अल्डोल होगा, अब यहाँ पे अल्फा H तो है ही नहीं क्योंकि दो मिथाइल लगा दिया है राइट, और ये मोर रिएक्टिव है, तो इसका सी डबल बॉन्ड हो गायब होगा, तो इसी का दो, तो ये यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो कितना बन जाएगा, ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आप क्या करेंगे, 6 मेंबर आप बना लें राइट, ये वाला तो डबल बॉन्ड में आ गया, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ होगा राइट, चूंकि ये रिंग में आ चुका है, तो आपको सी डबल बॉन्ड ओ लगाया, तो ये ध्यान दे, ये अगर अल्फा है तो ये बीटा है, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होंगे अल्फा बीटा के बीच,
और ध्यान से देखो, जो सी डबल बॉन्डेड कार्बन है उसी कार्बन से अटैच वाले पे दो मिथाइल है, तो इधर तो आपने डबल बॉन्ड बना दिया, तो इधर अटैच है ये और इस पे दो मिथाइल, तो ये प्रोडक्ट बना देना, आपको बिल्कुल भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में इस टाइप से गिवन है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे भी दो ग्रुप है आपके पास, दोनों कीटोन है बाय द वे, ये तो एस्टर है तो ये होंगे नहीं, तो अब यहाँ पे हीट है तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाना। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ टू ई टी है, एक्चुअली में इसको अगर आप ओपन करके लिखोगे तो ध्यान से देखो ये कुछ इस टाइप का है, राइट, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन पे सी डबल बॉन्ड ओ ओ और ई टी है, तो यहाँ से आप नेगेटिव नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये भी रेजोनेंस करेंगे तो इसको रेजोनेंस नहीं करने देंगे, राइट, तो यहाँ पे से हाइड्रोजन नहीं लेना है आपको, यहाँ से लेना पड़ेगा और इसका सी डबल बॉन्डो गैप करना है, तो यहाँ से यहाँ बनेंगी, तो ध्यान से देखो 1, 2, 3, 4 और ये 5 मेंबर आपका रिंग बन जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आपको बता रखा हूँ ये 5 मेंबर थे, एक और आप 5 मेंबर बना लीजिए, 5 नंबर बनाने के बाद यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसका दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो ये डबल बॉन्ड बना दिया। ध्यान दो, तो यही वाले जो कार्बन है इसके पास ध्यान से देखो तो ये CH2 और ये C डबल बॉन्ड O O E T है, तो ये आप दिखा देंगे, और इधर वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पे C डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पे आप C डबल बॉन्ड O कर देंगे, बाकी जो जैसा वैसे, क्योंकि इसका जो दो हाइड्रोजन था बेटा, ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन से, तो हमने वाटर हटा कर करके ये डबल बॉन्ड बना दिया, राइट, तो इस टाइप से देखो प्रोडक्ट इजीली आ गए। क्वेश्चन नंबर 10 में ये दोनों ही कीटोन है ध्यान से देखो तो, राइट, बट ये जो कीटोन है वो लेस रिएक्टिव होगा, क्यों, क्योंकि इस पे जो पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव सिंगल डबल से रेजोनेंस होंगे, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका लेस रिएक्टिव और ये क्या हो जाएंगे मोर रिएक्टिव। तो आपको ट्रिक दे रखा हूँ, मोर रिएक्टिव का सी डबल बॉन्ड ओ सामने करना है, तो इस पे दो मिथाइल ग्रुप है तो ऐसा बना दो, राइट, और जो लेस रिएक्टिव है तो उनका आपको क्या करना पड़ेगा, दो अल्फा हेच सामने करना पड़ेगा, तो सी डबल बॉन्ड ओ और इसका ये दो हाइड्रोजन सामने कर दिया और वाटर को बाहर कर देना, तो क्या प्रोडक्ट बना ध्यान से देखो, CH3, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गए, एक हेच था उसके पास, सी डबल बॉन्ड ओ और इधर आपका ये बेंजीन रिंग एज इट इज रहेगा। बट हमें ये प्रोडक्ट नहीं बनाना है, क्यों, क्योंकि सिर्फ NOH है, हीट नहीं है, तो ऑल डॉल प्रोडक्ट बनाना है, तो आपको क्या बोला था, पाई बॉन्ड को आप ब्रेक कर देंगे और ध्यान रहे अल्फा बीटा पे आपको क्या करना है OH डालना है और इस पे आपका H आ जाएगा, तो ये एक्चुअल में आपका प्रोडक्ट हो जाएगा इस कंडीशन में, क्योंकि ऑल डॉल बनाना है। हेलो एवरीवन, कैसा का है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में, एंड जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा उससे आप इस पे बेस्ड आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को विदाउट मैकेनिज्म कर लोगे। तो कैसे, ध्यान से देखो, सबसे पहले इस रिएक्शन का रिएक्टेंट और सब्सट्रेट क्या होगा, तो वो वेरी सिंपल है, वो सारे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान दे, वो सारे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो इस रिएक्शन का रिएक्टेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये एल्डिहाइड हो गया C डबल बॉन्ड O H, ये फिक्स है राइट एल्डिहाइड के लिए, इधर ये कार्बन अल्फा कार्बन, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि इन्होंने चार बॉन्ड बना रखा है, तो ये आपका शो करेगा। वैसे यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये एल्डिहाइड हो गया, इधर अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो ये भी शो करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो ये एल्डिहाइड हो गए, ये बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है और इस पे तीनों क्लोरीन है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए ये भी शो करेंगे। यहाँ पे भी ध्यान से देखो सेम कंडीशन हो गई, यहाँ पे जो कार्बन है इस पे हाइड्रोजन नहीं है राइट, तो ये भी शो करेंगे। बट यहाँ पे ध्यान से देखो ये अल्फा कार्बन हुआ, इस पर हाइड्रोजन है, तो ये शो नहीं करेगा। तो डैट मीन्स वो सारे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो शो करेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट। रिएजेंट क्या लेंगे, तो वेरी सिंपल, बेसिक मीडियम आपको लेना है। बेसिक मीडियम को देने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे 50% NOH या KOH इस टाइप से लिख देगा, या कंसंट्रेटेड KOH एंड हीट का साइन गिवन होगा राइट। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम चाहिए, ओवरऑल सॉल्यूशन बेसिक होना चाहिए राइट, और अल्डोल कंडेंसेशन से थोड़ा सा ज़्यादा बेसिक मीडियम होना चाहिए, तो ये इसका आपका हो गया रिएजेंट। प्रोडक्ट क्या होंगे, तो वो भी वेरी सिंपल है, इसमें प्रोडक्ट जो होंगे वो अल्कोहल भी होंगे एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड भी होगा। अगर एक ही टाइप के मॉलिक्यूल हैं, एक ही टाइप के एल्डिहाइड हैं, तो सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा, इसलिए इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। चाहे डिफरेंट टाइप के भी एल्डिहाइड हों तो भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, इसलिए ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन राइट।
तो कैनिजारो रिएक्शन इज ए एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डेट मीन्स इसमें मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। नाउ अगर डिफरेंट अल्डिहाइड होंगे तो इन डैट केस जो मोर रिएक्टिव होगा उसको ऑक्सीडाइज करना है, डैट मीन्स उसको एसिड बना देना है, और जो लेस रिएक्टिव होंगे उसको रिड्यूस करना है, डैट मीन्स उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना है। और ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं क्रॉस कैनिजारो, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। रिएक्टिविटी आप कैसे पहचानेंगे, तो वो भी वेरी सिंपल है, आपको प्लस डेल चार्ज डैट मीन्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन पे देखना है। जितना ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बोनिल कार्बन पे होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी होगा उसका, और ये कैसे बढ़ सकता है, तो माइनस आई या माइनस एम ग्रुप लगे होंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे इन तीनों की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, तो ये कार्बोनिल कार्बन हो गया आपके राइट, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे ये बेंजीन क्या करेगा, रेजोनेंस से इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, और यहाँ पे ये प्लस एम ग्रुप है तो ये और भी रेजोनेंस करके इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, इसलिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ ट्रिक्स फॉर कैनिजारो रिएक्शन, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एल्डिहाइड है हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, और 50% NOH बेसिक मीडियम है, तो कैनिजारो के लिए ये परफेक्ट कंडीशन है। तो कैसे होगा, ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, इस मॉलिक्यूल को एक बार ऑक्सीडाइज करना है। ऑक्सीडाइज करते वक्त ये जो हाइड्रोजन है H, उसको OH में कन्वर्ट कर देना है, और चूंकि बेसिक मीडियम लिया है तो इसलिए जो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लगा हुआ है वो एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से बेस उसको खा जाएगा, तो O माइनस कर देना है, तो इसलिए ये क्या है। तो ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड O एज इट इज रहेगा, सिर्फ H की जगह O माइनस कर देना है, एक्चुअली में OH होता बट बेसिक मीडियम होने की वजह से, अगर एसिडिफाई कर दोगे तो फिर OH कर देना है, तो एसिड आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरा, सेम मॉलिक्यूल को आपको क्या करना है, रिड्यूस करने में क्या करना है, जो कार्बोनिल कार्बन है C डबल बॉन्ड O, उसका पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है और एक एक H दोनों को देना है। तो ध्यान से देखो, एक ऑक्सीजन को H मिला, एक कार्बन को, तो क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा, डैट मीन्स आपका अल्कोहल एक प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये ट्रिक का पॉइंट है। अब हम अप्लीकेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में अगेन ये ध्यान से देखो, अल्डिहाइड है हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे जो लिया है NaOOD, तो NaOOD का मतलब क्या, ये हाइड्रोजन का बड़ा भाई हो गया राइट, आइसोटोप, और ये D2O ये भी हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस हुआ है। तो आपको कैसे करना मालूम है, इसको ऑक्सीडाइज भी करना, रिड्यूस। तो जब आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, सिंपल ये C डबल बॉन्ड O रहेगा, उस H की जगह O आ जाएगा राइट, और O पे माइनस रहेंगे बेसिक मीडियम है, तो चूंकि फिर वाटर डाल दिया, एसिडिफाई किया है, तो आप यहाँ पे लगाएंगे तो वाटर में अब H नहीं है, कौन है, ड्यूटेरियम, तो यहाँ पे कौन आएगा, D आएगा, ये ध्यान रखना। और दूसरा जो आएगा वो अल्कोहल टाइप होंगे, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना आपको कि ये C हो गया, ये पाई बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे, तो ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ये O पे D आएगा, ये H, इधर भी H आएगा, ये ध्यान रखना है। H क्यों, क्योंकि यही हाइड्रोजन H माइनस के फॉर्म में निकलता है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन पे, तो इसलिए H ही यहाँ पर रहेगा, ये ध्यान रखना। इधर D रहेगा क्यों, क्योंकि जो सॉल्वेंट है वो आपका D वाला है, वाटर है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। सिमिलरली इस केस में ध्यान से देखो, NOH हीट और H3O+ है, डेट मीन्स एसिडिफाई कर दिया, अगेन अल्डिहाइड नो अल्फा हाइड्रोजन है राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार ऑक्सीडाइज करना है। तो ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये C डबल बॉन्ड O, और चूंकि ये H+ दे दिया तो अब आप OH कर सकते हो राइट, CH2OH प्लस आपको दूसरा जो प्रोडक्ट बनाना है उसमें क्या करना पड़ेगा, ये CH2OH और इधर वो पहले से था CH2OH राइट। अब इसको क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं कि प्रोडक्ट में क्या क्या है, तो एक एसिड ग्रुप और एक अल्कोहल ग्रुप है, इस टाइप की प्रोडक्ट है, दोनों डायोल ग्रुप हैं, ये भी हैं, दोनों कार्बोक्सिलिक हो ऐसा नहीं है राइट, तो इस टाइप से ऑप्शन बना सकता है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा मत समझे आप कि सिर्फ आपको प्रोडक्ट पूछेगा, इस प्रोडक्ट में भी वो ऑप्शन बना सकता है राइट। क्वेश्चन नंबर थ्री में अगेन ध्यान से देखो, अल्डिहाइड हो गया, बेसिक मीडियम है, अल्फा कार्बन पे नो अल्फा हाइड्रोजन, तो ये कैनिजारो शो करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये तीन Cl को तो ऐसे ही रखना है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, O माइनस बेसिक मीडियम क्योंकि एसिडिफाई नहीं किया, प्लस आपका ये Cl तो रहेगा ही तीन, और ये कार्बन पे ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, CH2OH, ये अल्कोहल बन जाएंगे। तो अगेन इसका नाम पूछा जा सकता है, तो यू नो अल्कोहल को प्रायोरिटी देंगे तो 1, 2, तो इसका नाम हो जाएगा 2, 2, 2 ट्राईक्लोरो, और दो कार्बन है तो इथेनॉल। तो आपको ऐसे ऑप्शन क्रिएट कर सकता है कि ये रिएक्शन हुई
चार ऑप्शन दे दिया, विच कैन बी द प्रोडक्ट, और आयुपैक नेम कर दिया, तो इस टाइप से रिलेट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर फोर में विच विल नॉट शो कैनी जारो रिएक्शन, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये जो अल्डिहाइड है इसके बगल में ये कार्बन है, sp3 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन भी, अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो ये कैनी जारो नहीं शो कर सकता क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अल्डिहाइड है हैविंग नो अल्फा एच, राइट। तो यहाँ पे बच्चे समझते हैं कि ये हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम होने की वजह से ये एच निकल जाएंगे और ओ पे माइनस आएगा, और ये रेजोनेंस करने की वजह से इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को बहुत ही कम कर देता है। इसलिए ध्यान रखना, ये एक तरह से एक्सेप्शन भी है, ये भी आपका कैनी जारो रिएक्शन शो नहीं करेगा, जबकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है फिर भी ये नहीं करेगा, तो इम्पॉर्टेंट है ये। रीज़न कि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जो अटैच है वो एसिडिक होने की वजह से निकल जाते हैं बेसिक मीडियम में, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आता है, जो इतना ज़्यादा रेजोनेंस करता है, इतना ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि इस कार्बन पे जो प्लस चार्ज होता है उसको ख़त्म कर देता है ये वाया रेजोनेंस, राइट। और यहाँ पे ध्यान से देखो तो अगेन ये अल्फा कार्बन, तीनों मिथाइल है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी, राइट। क्वेश्चन नंबर फाइव में इन विच केस कार्बन कार्बन बॉन्ड विल नॉट बी फॉर्म्ड, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड फॉर्म किस में नहीं होता है, तो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में होता है, राइट। सिमिलरली रिमन टिमन रिएक्शन में भी होता है, राइट। फिनॉल की रिएक्शन होती है, आपको मालूम ही है। OH की रिएक्शन आपका CHCl3 से होता है, तो आपका OH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, तो ध्यान से देखो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनते हैं इसमें। कैनी जारो में ही नहीं बनता है क्योंकि एक ऑक्सीडाइज होते हैं, एक रिड्यूस होता है, तो वो ऑक्सीजन आता है, तो कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनते हैं, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। अल्डोल में तो बनते हैं, तो इस टाइप से पूछा जा सकता है। तो ये पांच प्रॉब्लम लेकर के हमने क्लियर किया है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से देखो, एक होता है क्रॉस कैनी जारो, तो इसमें एक रिएक्टेंट आपका फिक्स हो गया है, फॉर्मल डिहाइड होना चाहिए, दूसरा वैसा अल्डिहाइड लेना जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, जैसा कि इस कंडीशन में हो रहा है, अगेन बेसिक मीडियम है। तो जो फॉर्मल डिहाइड होते हैं वो मोर रिएक्टिव हैं, मोर रिएक्टिव वाले MR लिख रहा हूँ मैं, मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव वाले ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, चूंकि बेसिक मीडियम क्रिएट किया है तो यहाँ पे H नहीं लगाएंगे, तो ये आयनिक फॉर्म में रखना है, राइट। फॉर्मिक एसिड हो गया एक तरह से, यहाँ पे फॉर्मेट आयन हो गया, और दूसरा वाले को रिड्यूस करना है, तो यू नो कि ये CH2H अल्कोहल में आ जाएगा, तो ये आपको बना देना है। तो इसको बोलते हैं क्रॉस कैनी जारो, जब दो डिफरेंट टाइप के अल्डिहाइड हो जिसमें से एक आपका फॉर्मल डिहाइड हो और दूसरा ऐसा अल्डिहाइड हो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, तो क्रॉस कैनी जारो बोलेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि एक रिएक्टेंट इसमें फिक्स ही हो जाता है, फॉर्मल डिहाइड होना चाहिए, जो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे मोर रिएक्टिव होने की वजह से, दूसरा वाला रिड्यूस होगा। एक पॉइंट और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि इसको आप क्या बोलेंगे, फिनाइल बेंजीन को, राइट। और ये एक कार्बन है तो फिनाइल मिथेनॉल भी बोल सकते हैं, आयुपैक नेम करके भी दे सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना है। दूसरा उसी तरीके से होता है क्रॉस अल्डोल, राइट। दूसरा क्या होता है, क्रॉस अल्डोल, तो इसका क्या मतलब है इसको भी समझेंगे। यहाँ पे भी दो डिफरेंट टाइप के अल्डिहाइड या कीटोन होंगे हैविंग अल्फा एच, यहाँ पे अल्फा एच होना चाहिए, अगेन बेसिक मीडियम होगा, तो आपको क्या करना है, एक बार ए का खुद ए के साथ अल्डोल प्रोडक्ट बनाना है, एक बार बी का खुद के बी के साथ, तो इसको बोलते हैं सेल्फ अल्डोल, राइट। एक बार ए का बी के साथ बनाना है या फिर बी का ए के साथ, तो इसको बोलते हैं क्रॉस अल्डोल। तो इसलिए हमसे पूछा जा सकता है कि ये अगर ए और बी को रिएक्ट कराया तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे अल्डोल के पॉसिबल, तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे इस केस में, चार, क्योंकि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो आपको इसी तरीके से थिंक करना है, ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, ए बी के साथ, बी ए के साथ, राइट। जैसे इसको मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखो, मैंने ए ले लिया आपका, ये एसिटल्डिहाइड, तो आपको बता रखा हूँ कि इस टाइप से सी डबल बॉन्ड हो सामने कर देना है, सेम इसी का दूसरा मॉलिक्यूल इससे कोलिजन कर सकता है, तो इसका दो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन सामने कर करके वाटर पार कर दो, तो ये एक प्रोडक्ट मिलेंगे। वैसे ही अगर मैं ये प्रोपेनल अगर यूज करूँ, तो एक का सी डबल बॉन्ड हो, दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन सामने किया, वाटर पार निकाला, तो ये प्रोडक्ट बन सकता है। अब ए का बी के साथ कर सकते हैं, तो आपने एसिटल्डिहाइड लिया और दूसरा प्रोपेनल का अल्फा हाइड्रोजन सामने किया, तो ऐसे, और बी का ए के साथ किया तो ऐसे, तो ये टोटल फोर पॉसिबल प्रोडक्ट है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस अल्डोल। अगर इसमें किसी एक के पास अल्फा एच नहीं होता तो नंबर ऑफ अल्डोल प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, फिर कम हो जाते हैं। तो आपको ऐसे ही थिंक करना, ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, दैट इज सेल्फ, और फिर क्रॉस, तो इसलिए इसका नाम रहेगा क्रॉस अल्डोल।
आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हेलोफॉर्म टेस्ट और आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में, एंड जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा इससे आप इस टेस्ट के रिएक्टेंट, रिएजेंट एंड प्रोडक्ट को इजीली पहचान सकते हो एंड इस पे बेस्ड आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन का रिएक्टेंट क्या होगा या इस टेस्ट का रिएक्टेंट क्या होगा, तो वेरी सिंपल है। आपको कार्बोनिल कार्बन को सर्च करना है, सी डबल बॉन्डो, और उसके एक साइड CH3 फिक्स है, राइट, ये होना चाहिए। दूसरे साइड में आइदर हाइड्रोजन हो या कोई भी अल्काइल ग्रुप हो चल जाएगा। बात समझ में आ गई? सी डबल बॉन्ड ओ के एक साइड सिर्फ CH3 होना चाहिए, सिर्फ एक ही कार्बन होना चाहिए, एक ही मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। दूसरे साइड में आइदर हाइड्रोजन हो तो भी चलेगा या फिर कोई अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, इसलिए इसको एसिटाइल ग्रुप भी बोलते हैं। एसिटाइल ग्रुप का प्रेजेंस मस्ट है या फिर मिथाइल कीटोन प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये आपका रिएक्टेंट है। ध्यान दें, कभी कभी ये ना दे करके ऐसे भी दे सकता है क्योंकि ये फर्दर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे? तो ध्यान से देखो, आपको कैसे देखना है, आपको देखना है कि किसी भी साइड से, दो कॉर्नर होंगे, आइदर दिस कॉर्नर से या डैट कॉर्नर से, किसी भी कॉर्नर से अगर सेकेंड नंबर कार्बन पे, ध्यान दें, सेकेंड नंबर कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है या फिर हैलोजन है या कोई बेटर लिविंग ग्रुप है, तो ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे और ये भी ये टेस्ट शो करेंगे। जैसे इस केस में इधर एक मिथाइल हो गया, सेकेंड नंबर कार्बन पे OH है, तो ये टेस्ट ये शो करेंगे। तो ध्यान दें कि ये फिर से क्या हो गया, दोनों साइड से अगर आ जाए तो भी चलेगा या किसी एक साइड से होना चाहिए। अगेन इधर अगर एक ही साइड से कार्बन इधर है CH3, तो इधर कोई भी हाइड्रोजन हो या अल्काइल ग्रुप हो चलेगा, या इधर भी CH3 CH आ जाए तो भी चलेगा। डैट मीन्स आइदर साइड से सेकेंड कार्बन पे ये तीनों चीज़ों में से कोई अगर प्रेजेंट है तो फिर ये शो करेंगे। सिमिलरली कभी कभी ऐसे भी दिया जा सकता है, सी डबल बॉन्ड हो गया CH2, ये जो इसका तीन हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन हटा करके हैलोजन लगा दे तो वो भी शो करेंगे, या दो हैलोजन लगा दे या तीन हैलोजन, राइट, ये सब उसी के पार्ट हैं तो ये सब शो करेंगे। सिमिलरली किसी भी साइड से, राइट, आइदर कॉर्नर से, जैसे इस साइड से अगर गए सेकेंड नंबर कॉर्नर पे दो हैलोजन लगे हुए हैं तो ये भी शो करेंगे, क्योंकि ये सब क्या हो सकते हैं, इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे वाया ऑक्सीडेशन, तो इसलिए ये सब शो करेंगे। सिमिलरली आपको कैसे दिया जा सकता है रिएक्टेंट, इस टाइप में भी, ध्यान से देखो, तो ये जो बीच में कार्बन है इसका जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोलिसिस होने की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो इसको H मिलेगा और इसको OH अगर मिलेगा, तो ध्यान से देखो आपका ये वाला पार्ट जनरेट हो चुका है, इसलिए ये टेस्ट शो करेंगे, ये RC डबल बॉन्ड CH3 बिल्कुल ऐसा ही हो गया। डैट मीन्स कहने का क्या मतलब है कि आप देख लो कि रिएक्शन के दौरान क्या ये प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हो रहा है तो वो टेस्ट शो करेंगे, तो इसलिए ये भी शो, इस टाइप के भी जितने कंपाउंड होंगे वो शो करेंगे। सिमिलरली उसी को ऐसे भी दे सकता है, राइट, यहाँ पे कार्बन ने तीन बॉन्ड बनाया तो एक्चुअली में H होंगे, यहाँ पे भी H होगा, राइट, तो ये इस टाइप के भी, क्यों, क्योंकि ये H OH में कन्वर्ट होकर करके फिर से ये यही बना देंगे और फिर ये बनेगा और फिर ये बन जाएंगे, राइट, तो ये भी शो कर सकते हैं, तो इस टाइप के अल्कोहल भी आपका शो करेगा टेस्ट। सिमिलरली अगर ध्यान से देखो एस्टर के केस में, अगर ऑक्सीजन के इधर ET मतलब इथाइल ग्रुप, सिर्फ इथाइल लगा हुआ है तो ही शो करेगा, इसके अलावा मिथाइल हो या प्रोपाइल एंड सो ऑन कोई भी हो तो वो शो नहीं करेंगे। दूसरा इस टाइप में भी, ये भी एस्टर ही है, बट ध्यान से देखें तो ये इधर एक ही कार्बन होना चाहिए, इधर चाहे जितना कार्बन लगाना आप लगा सकते हो, राइट, ये वैसा ही हो गया। ध्यान से देखो ये कैसे आ जाएगा, इधर से सेकेंड कार्बन पे OH बन जाएंगे जो ये वाला हो गया फिलहाल, तो इस टाइप के सारे शो करेंगे ये सारे एस्टर। तो ये आपको मैंने एक रिएक्टेंट का पूरा लिस्ट दे दिया कि कौन शो कर सकता है, एक अच्छे तरीके से आपको समझाया। रिएजेंट इसका क्या है, तो डैट्स वेरी सिंपल, आपको बेसिक मीडियम लेना है NOH इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन, NOH X2 करके दे सकता है, वेयर X क्या हो सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, डैट मीन्स फ्लोरीन नहीं हो सकता, ये बात क्लियर होना चाहिए। सिमिलरली इसी को ऐसे भी दे सकता है NaOH, NaOH का मतलब सोडियम ऑक्सीजन और कोई हैलोजन, आइदर Cl या Br या I, जैसे NOI, NOBr, NOCl, ये आपको दे सकता है। क्यों दे सकता है ऐसा, क्योंकि जब ये बेस की रिएक्शन आपको नॉन मेटल से होगा तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, डैट मीन्स ये मेटल ध्यान से देखो -1 में भी गया और +1 में भी, तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, राइट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ही ये पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है, और विनो कभी भी एक कार्बन पे दो OH हो तो ये अनस्टेबल होते हैं ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन की वजह से,
तो वाटर को बाहर आपको कर देना है, राइट। तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन बाहर हो जाएंगे तो ये सी डबल बॉन्डों में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए ये वाले पार्ट या ये वाले पार्ट में हमने ये सब समझाने की कोशिश की आपको कि ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से अगर उस कार्बन पे OH है या हेलोजन है या लिविंग ग्रुप है तो उसको ऑक्सीडाइज करके फर्दर ये यहाँ पर लेके आ जाएगा। इसलिए किसी एक कॉर्नर से CH3 का होना ज़रूरी है तो ये शो करेंगे। तो आई होप रिएजेंट भी आपको क्लियर होगा। डैट मीन्स बेसिक मीडियम क्रिएट करना आपको इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन होना चाहिए। और कैसे दे सकता है तो बहुत सारे तरीके, जैसे Na2CO3 और X2 भी दे देगा तो बच्चे नहीं पहचान पाते हैं। ध्यान से देखो तो ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बना हुआ सॉल्ट है, सोल्यूशन बेसिक हो गया इन प्रेजेंस ऑफ X2। या फिर इसको और कैसे दे सकता है, OH-X2, सब एक ही बात है। तो ये रिएजेंट को देने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। ये नॉट ओनली रिएजेंट है, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, इसीलिए ये सारे के सारे आपको ये टेस्ट शो करेंगे। नाउ प्रोडक्ट क्या होगा, तो वेरी सिंपल है। जो ये जो कॉर्नर वाला CH3 है इसका तीनों हाइड्रोजन हटा करके हेलोजन लगा देना आपको। ध्यान से देखो, हेलोजन लगा देना आपको और एक H, क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा तो एक H आपको रहने देना है। तो ये एक प्रोडक्ट होगा आपका, जहाँ पे X क्या हो सकता है, ClBr-I। अगर वो I हो जाएगा तो उसी को बोलेंगे आइडो फॉर्म। CH3 को क्या बोलते हैं, आइडो फॉर्म। और इसका कलर येल्लो होता है, इसलिए ये टेस्ट की पहचान है। और मैक्सिमम हम आइडो फॉर्म टेस्ट ही करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे आइडो फॉर्म लिखा है। वैसे ही अगर ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमो फॉर्म बोलेंगे, क्लोरीन हुआ तो क्लोरो फॉर्म बोलेंगे। तो बात समझ में आ गई कि ये जो सी डबल बॉन्डों के बगल में जो कार्बन है मिथाइल वाला, इसके तीन हाइड्रोजन को हटा करके तीन हेलोजन, और इधर वाला जो बॉन्ड ब्रेक हुआ एक हाइड्रोजन, तो ये एक प्रोडक्ट आपका फिक्स है। दूसरा प्रोडक्ट ये जो इधर का पार्ट बचा वो सी डबल बॉन्डो O-, चूँकि बेसिक मीडियम है इसलिए इसको प्रोटेनेट करके रखना है, O- के फॉर्म में रखना आपको। तो ये दूसरा आपका प्रोडक्ट फिक्स है। तो आई होप ये क्लियर होगा। नाउ ट्रिक्स, जिसके लिए रफी सर जाने जाते हैं। तो कभी भी आपको रिएक्शन इस टाइप से गिवेन हो, RC डबल बॉन्डो CH3, राइट, तो ये कार्बोनिल कार्बन हो गया, इस पर ये मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ NOH है, तो ये हेलो फॉर्म टेस्ट शो करेंगे। तो आपको क्या करना है, RC डबल बॉन्डो और ये जो कार्बन का तीन हाइड्रोजन है उसको मैंने ओपन कर दिया, ये तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, ध्यान से देखो, हेलोजन से। ये तीनों हाइड्रोजन की जगह क्या ले आना है, हेलोजन। और ये कार्बोनिल वाला जो कार्बन है और ये जो कार्बन है मिथाइल वाला, इनके बॉन्ड को ब्रेक करना है, इस कार्बन को H देना है क्योंकि तीन हेलोजन लगने से ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा, और इसको OH देना है। देख तो ध्यान से देखो क्या प्रोडक्ट आ गया, तीन हेलोजन के साथ एक H, तो CHX3 आ गया, और दूसरा RC डबल बॉन्डो OH, राइट। ये तब मिलेगा जब एसिडिफाई करोगे, चूँकि बेसिक मीडियम है तो ये H आपका नहीं रहेगा, तो RC डबल बॉन्ड O- और यहाँ पे जो भी कैटायन होंगे वो कैटायन लगा देना है, तो ये प्रोडक्ट हो गए, राइट। अब इसमें एक बात ध्यान रखना है, कभी कभी बैलेंस रिएक्शन का भी ध्यान रखना है, इस पर बेस भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको एक मॉलिक्यूल लेना है ये RC डबल बॉन्डो CH3 का, तीन मोल्स आपको लेने पड़ेंगे हेलोजन के, 4 मोल्स बेसिक मीडियम के, 4 NOH, तब जाकर के आपको एक मॉलिक्यूल RCO- का मिलेगा, एक मॉलिक्यूल हेलोफॉर्म का CHX3, तीन मॉलिक्यूल सोडियम हैलाइड वाले मिलेंगे और तीन मॉलिक्यूल वाटर। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी बैलेंस रिएक्शन का भी यूज कर सकता है। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट ये है कि जैसे जैसे ये रिएक्शन प्रोग्रेस होती हैं वैसे वैसे फास्ट हो जाती हैं ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ हेलोजन। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो क्या होगा, फर्स्ट केस में एक हाइड्रोजन हट करके एक हेलोजन लगेंगे, तो उसकी वजह से ये जो दो हाइड्रोजन है वो काफ़ी एसिडिक हो जाएंगे, तो पहले रिएक्शन स्लो होगी क्योंकि पहले तीनों हाइड्रोजन है तो ये उतना ज़्यादा एसिडिक नहीं है। ये सिर्फ एसिडिक किस वजह से हुआ है, क्योंकि जब ये हाइड्रोजन जाएंगे तो इस कारण पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव सिंगल डबल से रेजोनेंस होगा। तो पहला जो रिएक्शन का पहला स्टेप जो है वो स्लो है, उसका दूसरा स्टेप थोड़ा फास्ट होगा उससे। क्यों? क्योंकि एक हेलोजन आया, फिर एक और हेलोजन आएंगे तो और फास्ट हो जाएगा। तो वही चीज़ को यहाँ पर समझाया कि पहले केस में एक हेलोजन आएगा, दूसरे केस में दो हेलोजन आने की वजह से यह हाइड्रोजन और भी ज़्यादा एसिडिक, और तीसरे केस में तो तीनों ही हेलोजन आ जाएंगे। तो ये रिएक्शन जैसे जैसे प्रोसीड होती हैं फास्ट होती जाती हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि रिएक्शन को कभी भी आपको बीच में स्टॉप नहीं करना है, रिएक्शन नॉट स्टॉप इन बिटवीन। कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे मैंने इसकी रिएक्शन कराया 3 मोल्स ऑफ X2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, तो आपको ये मिलेंगे और ये बाकी सारे मिलेंगे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर मैंने इसका 1 मोल लिया और इसका भी 1 मोल लिया, तो ऐसा नहीं है कि आपको 1 मोल इसका मिल जाएगा,
ये वाले का, ऐसा नहीं है कि इसके वन मोल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएंगे, फास्ट रिएक्शन होती है, राइट। तो स्टॉप बीच में नहीं करना है। तो वही अगर मान लेता हूँ मैं इसका एक्स मोल रिएक्ट हुआ तो इसके 3x मोल रिएक्ट होंगे, राइट। और चूंकि यही लिमिटिंग रिजेंट होगा, आपको तरीका बता रहा हूँ मोल कंसेप्ट में, वन को डिवाइड करेंगे 3 से, तो यही लिस्ट नंबर है, लिमिटिंग रिजेंट है, मतलब खत्म हो जाएंगे। तो 1 माइनस 3x 0, तो x कितना जाएगा 1/3। तो डैट मीन्स ये कितना लेफ्ट, ये कितना बचा, तो 2/3 मोल्स इसके बचेंगे, ये 0 हो जाएंगे। ये पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट का 1/3 मोल्स मिलेगा और इसका भी 1/3। तो ध्यान रहे, ना तो आपको ये मिलने वाला है, ना ही ये मिलने वाले हैं, ना ही ये। क्यों? क्योंकि रिएक्शन वेरी फास्ट हो जाती है, स्टार्टिंग में 16 उसके बाद फास्ट हो जाती है, ये ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ दैट हैलोजन। नाउ एप्लीकेशन, तो कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो ये टेस्ट शो नहीं करेंगे? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे बच्चे को लगता है कि सर ने बोला था सी डॉल बॉन्ड और सी एच थ्री है, बट बेटा इधर OH है, प्लस एम ग्रुप है, तो ये शो नहीं करेगा, डैट मीन्स एसिड ये टेस्ट शो नहीं करते, राइट। सिमिलरली ध्यान से देखो, तो ये अगर इधर हैलोजन ये तो है प्रेजेंट, बट इधर मैंने क्या बोला था इस साइड में, आइदर एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन होना चाहिए, तो वो नहीं है, इसलिए ये शो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब, ये जो से बेसिक मीडियम क्रिएट करने के वजह से ये H निकल जाएंगे, ये माइनस की वजह से ये बहुत ज़्यादा रेजोनेंस करेंगे, तो उधर रिएक्शन नहीं हो पाएगी, इसका हाइड्रोजन को वो एसिडिक नहीं होने देगा। सिमिलरली इस केस में भी ये एनहाइड्राइड हो गया, तो आप किस साइड से भी ब्रेक कर लो, अगर इधर से ब्रेक करोगे तो इसको OH मिलेगा और इसको H, तो दोनों एसिड ग्रुप बनेगा, इसीलिए ये नहीं शो करेंगे। सिमिलरली इस केस में भी ध्यान से देखो, अगर आपने इसको ब्रेक किया तो इसको OH और इसको H, तो ये मिथेनॉल बना, इसलिए ये शो नहीं करेगा, उधर तो एसिड है, तो एसिड वैसे ही शो नहीं करता है, तो नहीं करेगा। बट अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अगेन रेजोनेंस करेंगे, तो ये सब भी शो नहीं करेंगे। तो ये वो सब फंक्शनल ग्रुप है जो शो नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रेक करने के बाद भी वो कंडीशन नहीं बन पा रही है। ये वो केस है जहाँ पे शो करेंगे, क्योंकि आपको बता रखा हूँ सी डबल बॉन्ड और सी एच थ्री, ये तो फिक्स है इतना, राइट, ये तो इतना फिक्स है। इधर क्या होना चाहिए? आर या एच, जो कि इस सब में नहीं था, इसलिए शो नहीं किया, तो ये तो शो करेंगे। सिमिलरली अगर इथाइल अल्कोहल हो तो शो करेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से NaOH और X2, ये हाइड्रोजन को OH में कन्वर्ट कर देगा, वाटर बाहर कर देंगे, तो ध्यान से देखो ये वो कंडीशन बन गई, ये फिक्स ये वाले इधर हाइड्रोजन हो सकते हैं, तो इसलिए ये शो करेंगे। सिमिलरली इस टाइप से कोई आपको एस्टर दे दे, ध्यान से देखो, इधर सिर्फ ET ग्रुप ही होना चाहिए, इथाइल ग्रुप, तभी शो कर पाएगा, क्योंकि फिर से एक हाइड्रोलिसिस होने के बाद इथाइल अल्कोहल में आ जाएंगे, राइट। इस बॉन्ड को ब्रेक किया, इसको OH और इसको H, तो इधर ET ही होना चाहिए तभी। अब इसके बाद जो भी कार्बन होंगे तो नहीं शो करेगा, इसलिए इधर ME था इसलिए नहीं शो किया, ना तो एक कार्बन वाला शो करेगा, ना ही तीन या तीन से ज़्यादा, सिर्फ दो कार्बन होंगे तो वो शो करेंगे, या फिर ऐसे वाले शो कर सकते हैं, एक तरफ R कोई भी ग्रुप लगाओ या H लगाओ और दूसरी तरफ आपका CH3 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो आपका ये सेकेंडरी अल्कोहल एक तरीके से बन जाएगा, और आपको मालूम है ये H OH में कन्वर्ट होकर के वाटर बाहर जाएंगे, तो फिर से ये प्रोड्यूस हो जाएगा, तो इसलिए ऐसे कंपाउंड शो कर सकते हैं। तो ओनली आपको ब्रेक करके देखना है कि फाइनली वो वहाँ तक आ रहा है कि नहीं, जो ट्रिक्स दे रखा हूँ। इस टाइप के भी शो कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इसको H OH, तो ये CH3 हो गया, और ये H ऑक्सीडाइज होकर के OH में, तो ये PaCO CH3, तो वो वाले में आ जाएगा, तो ये शो करेंगे। सिमिलरली दो हैलोजन लगे हो तो ये दोनों हैलोजन OH में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर वाटर बाहर जाएगा, तो ये CH3 सी डबल बॉन्ड हो और इधर एल्काइल ग्रुप है, तो ये शो करेंगे। तो ये पूरा आइडिया दिया है कि कौन शो करेगा और कौन नहीं शो करेंगे। नाउ क्वेश्चन इज कि विच कैन शो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, तो हमें एक एक को चेक करना है। तो ध्यान से देखो, ये वाला सी डबल बॉन्ड तो है लेकिन CH3 नहीं है, तो शो नहीं करेगा। ये वाले में ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गए, राइट, CH3 तो है इधर, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए, मिथाइल है, तो ये भी शो नहीं करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये कॉर्नर वाले से सेकंड वाले पे OH है, यहाँ पे H है, तो राइट, तो ये शो कर जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल आपको बता रखा हूँ। डी वाले में अगेन ध्यान से देखो, इधर CH3 है, सेकेंड पे OH है और यहाँ पे H है, तो ये शो कर जाएंगे, राइट। या फिर इसी को ऐसे भी लिख के दे सकता है, तो ये वही बात है। यहाँ पे ध्यान से देखो, तो सी डबल बॉन्ड O है आपका, CH3 है, तो ये शो कर जाएंगे। यहाँ पे इधर CH3, सेकेंड वाले पे OH है और H है, तो ये शो कर जाएगा। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O CH3 है, तो ये भी शो कर जाएंगे, राइट। यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये वाला को ब्रेक करेंगे तो ये इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, तो ये भी शो कर जाएंगे, राइट। यहाँ पे तो ये है ही, तो ये शो कर जाएंगे। जस्ट आपको ये चेक करना है,
यहाँ पे ध्यान से देखो, H तो है बट इधर ET है, इधर भी ET है, ME किसी भी साइड नहीं है तो ये शो नहीं करेगा। यहाँ पे ध्यान से देखो CH3 सेकंड पे OH है और H है तो ये शो कर जाएंगे। यहाँ पे तो ME ग्रुप ही नहीं है तो ये शो नहीं करेंगे। यहाँ पे अगेन देखो ME ग्रुप है, सेकंड पे OH है तो यहाँ पे भी H है तो ये शो कर जाएगा, राइट। ये आपका सी डबल बॉन्ड हो CH3 हो गया तो ये भी शो कर जाएंगे। इधर ये CH3 और सेकंड कार्बन पे OH है, यहाँ पे H है जो कि OH में कन्वर्ट होकर के CH3 सी डबल बॉन्ड हो दे सकता है तो इसलिए ये शो करेंगे। ईथर कभी भी आपका शो नहीं करता है, बाय डिफ़ॉल्ट मान लेना आपको। यहाँ पे चूंकि ये जो OH है वो कार्बन नंबर 1 पे ही है, कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है तो नहीं शो करेगा। अगेन ये 3 डिग्री है तो नहीं शो करेंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, तीन तरीके से। आपको 4-5 मॉलिक्यूल दे करके इंटीजर टाइप में पूछ सकता है, या फिर इसका IUPAC नेम दे करके भी दे सकता है। 5-6 IUPAC नेम दे दिए, कौन कौन शो करेगा नहीं करेगा इंटीजर टाइप में, या फिर ऑप्शन बना करके विच कैन शो IUPAC नेम दे सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप ध्यान से समझो, कंसेप्ट एक रहेंगे, पूछने के तरीके डिफरेंट रहेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में इस टाइप से गिवन है तो बच्चे देख के समझ ही नहीं पाते। ध्यान से देखो, यह हेलोजन है इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम और ये मिथाइल कीटोन है, तो डेट मीन्स आपको ब्रोमो फॉर्म कराना है। तो आपको मालूम है कि आपको एक क्या बनाना पड़ेगा, CHBr3, राइट। ये तीन हाइड्रोजन हटा करके 3 ब्रोमीन लगाना और ये बॉन्ड ब्रेक करके 1 खींच देना। और उधर क्या बनेगा, तो चूंकि बेसिक मीडियम है तो C डबल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पे कैटाइन कौन है K, तो K प्लस रहेगा तो ये प्रोडक्ट हो जाएंगे AB। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना है तो क्या लेना चाहिए, तो ध्यान से देखो क्या क्या है। डबल बॉन्ड को कुछ भी नहीं किया है, राइट। और यहाँ पर का OH कैसे कन्वर्ट हुआ है, C डबल बॉन्ड OH में, वो किस में आता है इसमें। इसका मतलब कि हमें आइडोफॉर्म रिएक्शन करानी पड़ेगी, तो टॉलिंस रिएजेंट तो नहीं ले सकते, I2NOH यस यही हो जाएंगे। एल्कलाइन केमेनोफोर नहीं ले सकते क्योंकि डबल बॉन्ड को भी इफेक्ट करेगा, डी तो हो नहीं सकता है। तो ये कैसे हुआ, तो आपको मालूम ही है ये कॉर्नर वाले कार्बन से सेकेंड पे OH है तो इसका H OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सी डबल बॉन्ड हो CH3 में, और ये फिर वैसा ही हो गया तो ये आपको मिल जाएगा। और दूसरा क्या मिलता है, CHI3 जो कि यहाँ पे नहीं दिखा है। तो इस टाइप से भी दे सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में समझ में नहीं आता है कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में इस टाइप से IUPAC नेम दे करके विच विल नॉट गिव येल्लो प्रिसिपिटेट, तो यू नो CHI3 का येल्लो प्रिसिपिटेट होता है, कौन नहीं देगा, डैट मीन्स कौन आइडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा। तो आपको ध्यान से देखो, इथाइल मिथाइल कीटोन, कीटोन बोले तो सी डबल बॉन्ड हो, एक तरफ ME एक तरफ ET, तो ये आ गया तो ये तो शो करेगा, तो ये नहीं हो सकता। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो इसमें बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन आपको लेना है और आइसो मतलब कि इसी कार्बन पे मिथाइल होना चाहिए, इसलिए इसको आपको OH करना पड़ेगा। 1, 2, 3 देखो 3 कार्बन है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया क्योंकि इधर CH3 है, बाय द वे दोनों तरफ CH3 है तो ये भी शो करेंगे, तो ये नहीं हो सकता। 3-methyl-2-butene, तो सेकंड कार्बन पे ब्यूटेन होना चाहिए, 1, 2 इधर 3 और इधर ये 4, और 3 पे 1, 2, 3 या इधर से करोगे तो यहाँ पे मिथाइल, तो 3-methyl-2-butene तो ये है तो ये भी शो करेंगे। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, तो यहाँ पे ब्यूटाइल है मतलब 4 कार्बन होने चाहिए, राइट, तो ये हो गए 4 कार्बन सेकंड कार्बन पे CH3 आइसोब्यूटाइल हो गया। और अल्कोहल तो यहाँ पे OH, तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे नहीं शो कर पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे CH3 है, राइट, और वैसे भी ये 1 डिग्री है, सेकेंडरी होना चाहिए, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे आपका यहाँ पे कि विच विल नॉट गिव येल्लो प्रिसिपिटेट, तो आवर ऑप्शन विल बी डी। हेलो एवरीवन, कैसा काय। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट के बारे में, एंड जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा उससे आप इस पे बेस्ड आने वाले किसी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर लोगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिंसबर्ग टेस्ट के बारे में। तो ये टेस्ट किस लिए किया जाता है, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, राइट। तो इसमें ट्रिक्स का पॉइंट क्या है कि हिंसबर्ग में ध्यान से देखो H और N और B ये 3 वर्ड आ रहे हैं। H N के कॉम्बिनेशन से अगर नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है तो 1 डिग्री अमाइन हो जाएगा। अगर नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन 2 कार्बन है तो 2 डिग्री अमाइन हो जाएंगे। अगर नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन है तो 3 डिग्री अमाइन हो जाएंगे। तो इसलिए H और N से रिलेट क्या, B फॉर बेस, बेस में डालने पर 1 डिग्री अमाइन सॉल्युबल हो जाएंगे, 2 डिग्री
इनसॉल्युबल रहेगा, 3 डिग्री रिएक्शन ही नहीं करेंगे। तो ध्यान से समझो कहने का क्या पॉइंट है। तो सबसे पहले इस टेस्ट के लिए जो रिएजेंट है वो इम्पॉर्टेंट है, डेट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। जैसे C डबल बॉन्ड O होता है तो कार्बोनिल बोलते हैं, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O है तो सल्फोनिल, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। जरूरी नहीं है कि आप यही लो, आप चाहो तो बेंजीन पे कोई अदर ग्रुप लगा सकते हैं, जैसे मिथाइल वगैरह आप लगा सकते हो, राइट। तो ये रिएजेंट फिक्स हो गया है, पूछा जाता है रिएजेंट का फॉर्मूला स्ट्रक्चर ये सब ध्यान रखना पूछा जाता है। और ये किसके लिए यूज होता है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को डिटेक्ट करने के लिए, राइट। कैसे वर्क करता है ये, वेरी सिंपल है। जब आपका 1 डिग्री अमाइन होगा, ध्यान से देखो, 1 डिग्री अमाइन होगा तो उसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये सल्फर के सल्फोनिल वाले ग्रुप पे अटैक कर देगा। ये क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर चला जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन ने टोटल 4 बॉन्ड बना लिया, क्योंकि ऑलरेडी 3 बनाया था और एक अटैक करने की वजह से। तो यू नो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड में अनस्टेबल है, तो ये छोटू सा जो हाइड्रोजन है उसको सेक्रीफाइस कर देगा वो और ये बन जाएगा। उसके बाद भी इसके पास एक हाइड्रोजन बच रहा है, ये हाइड्रोजन बचने की वजह से ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सेपरेट हो जाते हैं। ये हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि S डबल बॉन्डो दोनों साइड है, रेजोनेंस हो जाएंगे। तो इसलिए जब मैं इसको बेस में डालूंगा तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल, क्योंकि रिएक्शन हो जाएगी। तो इसलिए 1 डिग्री अमाइन अगर हुआ तो आप पहले उसको क्या करेंगे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करेंगे और फिर जब बेस में डालेंगे, राइट, तो सॉल्युबल हो जाएगा। इसका मतलब 1 डिग्री हो सकता है वो। अगर 2 डिग्री होगा तो अब यह हाइड्रोजन नहीं बचेगा, राइट। तो हाइड्रोजन नहीं बचेगा तो क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल, रिएक्शन नहीं होगी। और अगर 3 डिग्री होगा तो रिएक्शन यहीं पे नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बचा नहीं है सेक्रीफाइस होने के लिए, क्योंकि जब अटैक कर देगा तो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा प्लस आएगा और सेक्रीफाइस करने के लिए हाइड्रोजन नहीं है। तो इसलिए वेरी सिंपल है ये, राइट, ये कंसेप्ट। 2 डिग्री में एक हाइड्रोजन सेक्रीफाइस होकर के निकल जाएगा, उसके बाद नहीं बचेगा, इसलिए इनसॉल्युबल। 1 डिग्री में 2 हाइड्रोजन है, एक सेक्रीफाइस होकर के चला जाएगा और एक बचेगा जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक है, इसलिए बेस में वो सॉल्युबल हो जाएंगे। 3 डिग्री में हाइड्रोजन ही नहीं है, इसलिए पहले ही रिएक्शन नहीं होगी। तो इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा रिएजेंट है टू डिटेक्ट 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टेस्ट इज कार्बाइल अमाइन टेस्ट। अगेन ये अमाइन चैप्टर में सेकेंड टेस्ट है। इससे सिर्फ और सिर्फ आप 1 डिग्री अमाइन को टेस्ट कर पाएंगे, चाहे वो एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, डजन मैटर। इधर आर एल्काइल ग्रुप हो सकता है या एरोमेटिक वाला बेंजीन हो सकता है, बट द थिंग इज कि 1 डिग्री ही होना चाहिए। उसके रिएक्शन किससे कराना है, क्लोरोफॉर्म से, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। यहाँ पे इथेनॉलिक QH भी लिख सकता है, डैट मीन्स अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ बेस है। थोड़ा हीट करेंगे, तो ध्यान से देखो क्या करना है आपको, ये दोनों हाइड्रोजन को आपको हटा लेना है, ये दोनों हाइड्रोजन हटा लेना है, आर एन, और ये सी को यहाँ पे ले आना है, तो क्या बन जाएगा, आर एन सी। इसी को बोलते हैं आइसोसाइनाइड या फिर कार्बाइलेमिन, इसलिए आइसोसाइनाइड या कार्बाइलेमिन टेस्ट हो गया। बात समझे, नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन को हटा करके वहाँ पे क्लोरोफॉर्म का कार्बन सी को अटैच कर देना है। अब ध्यान से देखो, ये पोटेशियम Cl को लेकर के जाएगा तो KCl बन जाएगा आपका, और ये हाइड्रोजन और ये OH वाटर के फॉर्म में आ जाएंगे। तो इसलिए बाय प्रोडक्ट भी क्लियर होना चाहिए, इस पर बेस्ड मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाउ रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो ध्यान से देखो, R, N और C ये बैलेंस रहेगा, 3 क्लोरीन है तो इसलिए मुझे 3 पोटेशियम लेना पड़ेगा, 3 KOH करना पड़ेगा, तो इधर 3 मुझे KCl भी करना पड़ेगा। तो 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन हो गए, ध्यान से देखो तो 3 OH हो गया, 3 ऑक्सीजन, दैट मीन्स 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन है, इधर 1 हाइड्रोजन है, इधर 2, तो टोटल 6 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो इधर मुझे 3H2O करना पड़ेगा। तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, बस ये Cl वाला 3 से इन सब में 3 कर देना। इस पे बेस्ट क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट के पूछे जा सकते हैं कि अगर इसका इतना ग्राम लिया तो मोल्स निकाल लो तो इसके कितने मिलेंगे, इसके कितने, इस टाइप से पूछा जा सकता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट, डैट मीन्स ध्यान रहे कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो कार्बन से अटैच होता है, आइसोसाइनाइड है, ये साइनाइड नहीं है, राइट। दूसरा, 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन डोंट शो दिस रिएक्शन, इसलिए हिंसबर्ग टेस्ट से हम 3 डिग्री अमाइन्स को पहचान सकते हैं, बट कार्बाइलेमिन टेस्ट से सिर्फ 1 डिग्री को। दूसरा, इसका जो स्मेल होता है वो फॉल स्मेल होता है, गंदा स्मेल होता है, तो ये ध्यान रखना है। और इसमें एक बात और ये पूछा जाता है कि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या है, तो डैट इज़ डाई क्लोरोकार्बीन, डाई
क्लोरोकार्बीन इज द इंटरमीडिएट, CCl2 एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है और एक ये लोन पेयर, राइट। तो डाइक्लोरोकार्बीन ये इसका इंटरमीडिएट होता है, ये सारे पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज टॉलिन्स टेस्ट, और वेरी इंपॉर्टेंट है ये। टॉलिन टेस्ट का दूसरा नाम सिल्वर मिरर टेस्ट है। इसका जो रिएजेंट है वो सिल्वर इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, अमोनिकल सिल्वर भी बोल सकते हैं, सिल्वर यहाँ पे प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। नाउ कौन से फंक्शनल ग्रुप टेस्ट दे सकते हैं, तो ओनली अल्डिहाइड देगा आपका, ध्यान दें कीटोन ये टेस्ट नहीं देता है, ओनली अल्डिहाइड और विच कैन कन्वर्ट इन टू अल्डिहाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये अल्डिहाइड है, चाहे वो एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो दोनों देगा, राइट। तो ये दोनों टेस्ट देंगे। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो तो अल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, तो बच्चे को लगता है कि ये नहीं देंगे, लेकिन देगा कैसे, क्योंकि बेसिक मीडियम लेते हैं तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले, यहाँ पे OH आ जाएगा, एक कारण पे दो OH अनस्टेबल होते हैं, वाटर बाहर जाएगा तो ये अल्डिहाइड ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखो अगर अल्डिहाइड ग्रुप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन हो रहे हैं तो ये शो करेंगे। वैसे ये ध्यान से देखो तो ये इनॉल है, राइट, ये हाइड्रोजन आपका यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो अगेन अल्डिहाइड बन रहा है। तो अगर अल्डिहाइड का इनॉल फॉर्म है तो वो भी शो करेंगे, तो इसलिए ध्यान देना है अल्डिहाइड तो शो करेंगे ही, प्लस इस टाइप का कोई ग्रुप हो या इस टाइप के इनॉल वाले जो अल्डिहाइड क्रिएट कर सकते हैं तो वो सारे के सारे टेस्ट देंगे। तो पॉइंट क्या है, सिर्फ अल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। नाउ रिएक्शन कैसे होगी, तो अल्डिहाइड लेंगे आप इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिकल सिल्वर सॉल्यूशन में, और बेसिक मीडियम लेना है, ये ध्यान दे OH माइनस मतलब बेसिक मीडियम आपको लेना है। तो आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, क्योंकि बेसिक मीडियम क्रिएट किया हुआ इसलिए यहाँ पे H नहीं लगाएंगे, माइनस के फॉर्म में रहेगा। और यहाँ पे जो सिल्वर प्लस वन में था वो जीरो में आ गया है, इसलिए आपको अपना चेहरा दिखेगा, इसलिए इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। समझने के लिए वाटर रहेंगे, अमोनिया रहेगा, तो इस पे बेस्ड अगेन आपको मोल कंसेप्ट के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। नाउ हम कैसे ध्यान रखेंगे, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान से देखो। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इस बॉन्ड की वजह से इस पे माइनस वन आएगा तो इस पे प्लस वन आएगा। और यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस में क्या हुआ है ध्यान से देखो, बाकी चीज़ें तो सेम ही है इसलिए हमने उसको टच नहीं किया। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पे प्लस वन। तो कार्बन में क्या चेंजेज आया है कि वो माइनस वन से कहाँ गया है प्लस वन में, तो माइनस वन से प्लस वन में कैसे जा सकता है, दो इलेक्ट्रॉन का चेंज करके। तो पूछा जा सकता है कि इस प्रोसेस में कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हुआ, तो दो इलेक्ट्रॉन का, इसलिए 2Ag मुझे करना पड़ा, यहाँ पे ध्यान से देखो, राइट। अमोनिया कितने हो गए, 2 to the 4, इसलिए 4 अमोनिया आपको करना पड़ेगा, राइट। चूँकि 3OH था इसमें से एक ऑक्सीजन तो आप यहाँ पे अटैच कर दिए तो दो ही ऑक्सीजन बचा, इसलिए दो वाटर मॉलिक्यूल। तो रिएक्शन को रटना नहीं है, ध्यान से समझते हुए। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि अगर इसका मैंने दो मोल्स लिया तो इसके कितने मोल्स मिलेंगे, या मास दे दे, इस टाइप से मोल कंसेप्ट के प्रॉब्लम बनाया जा सकता है, इसलिए इसको विथ बैलेंसिंग भी ध्यान रखना है। कैसे क्या बैलेंस, वेरी सिंपल, कार्बन माइनस वन से प्लस वन में गया, दो इलेक्ट्रॉन का चेंज, इसलिए 2Ag, क्योंकि Ag यहाँ पे क्या हुआ है, एक ही था जो प्लस वन से जीरो में गया, राइट। तो इसलिए मुझे 2Ag, तो यहाँ 2 करना पड़ा। टोटल अमोनिया कितना हो गया, 2 to the 4, इसलिए 4 करना पड़ा, राइट। और चूंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे आपने ले लिया तो दो ऑक्सीजन बचा, इसलिए दो वाटर करना पड़ा। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एरोमेटिक एलिफैटिक दोनों अल्डिहाइड, या फिर वो जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन अल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगे, ये टेस्ट देते हैं। नेक्स्ट इज फेहलिंग टेस्ट। तो अगेन ये अल्डिहाइड को टेस्ट करने के लिए जो होता है, ये टेस्ट कीटोन नहीं देते हैं, ध्यान दें कीटोन ये टेस्ट नहीं देता, जैसे आपका सिल्वर मिरर टेस्ट कीटोन नहीं दे रहा था। ध्यान दें यहाँ पे जो एरोमेटिक अल्डिहाइड है, डैट इज बेंजल्डिहाइड, ये भी ये टेस्ट नहीं देते हैं फेलिंग, जबकि आपका जो सिल्वर मिरर टेस्ट है ये देता है, राइट। तो ये ध्यान रखना, ये एक एक्सेप्शन है, ये नहीं देते हैं फेलिंग टेस्ट। फेलिंग जो है वो दो सॉल्यूशन से मिलकर बना होता है, एक को बोलते हैं फेलिंग ए, एक को बोलते हैं फेलिंग बी। फेलिंग ए में कॉपर सल्फेट लेते हैं एक्वस, डैट मीन्स कॉपर प्लस टू में होना चाहिए। फेलिंग बी में जो है वो सोडियम पोटेशियम, और इसको बोलते हैं टार्टारिक एसिड से टार्टरेट, तो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट आपको लेना है। कैसे, वेरी सिंपल है, टोटल 4 कार्बन है, दोनों कॉर्नर वाले कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए, बीच में 2 OH ग्रुप होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है इसमें, कितने कायरल कार्बन है, तो 2 कायरल कार्बन है, ये भी पूछा जा सकता है, राइट। इसका ही एक और नाम है रोशिल सॉल्ट,
तो ये भी आप ध्यान में रखना, पॉइंट वही है। तो ये जो रिएजेंट है ये यूज होता है अल्डिहाइड को डिटेक्ट करने के लिए, कीटोन ये टेस्ट नहीं देता और अल्डिहाइड में भी बेंजल डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते। तो ये हो गया पॉइंट। नाउ रिएक्शन क्या होती है, तो अगेन अल्डिहाइड लेना आपको और कॉपर प्लस टू एक्वस वाला बेसिक मीडियम में ये भी सेम वैसे ही, तो आपको कार्बोक्सिलेट एनायन मिलेंगे क्योंकि बेसिक मीडियम में कॉपर प्लस वन में आ जाएगा, प्लस टू से प्लस वन में आ जाएंगे और वाटर मिलेंगे। ये जो सी यू टू है इसका कलर होता है रेड ब्राउन, तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आ रहा है, डेट मीन्स आपका कन्फर्मेशन हो गया कि अल्डिहाइड और वो भी कैसा एलिफैटिक एरोमेटिक ये टेस्ट नहीं देता। अब यहाँ पे अगेन पॉइंट जो ध्यान देना वो क्या है, जो भी बताया था आपको, क्योंकि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये माइनस वन में है और ये यहाँ पे प्लस वन में ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये अब इसकी वजह से, सिर्फ मैं इसका देख रहा हूँ क्योंकि इतना तो सेम है इसलिए उसको मैंने चेक नहीं किया, तो अब ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएंगे, तो कार्बन अगेन माइनस वन से प्लस वन में जा रहा, मतलब दो इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ। इसलिए यहाँ पे ध्यान से देखो, कॉपर प्लस टू कॉपर प्लस वन में जा रहा है, इसलिए मुझे दो लेना पड़ा ताकि दो इलेक्ट्रॉन का चेंज हो, राइट। तो ये टू क्यों आया, ये क्लियर होना चाहिए, ये बैलेंसिंग हो गया। नेक्स्ट इज कि एक ऑक्सीजन तो आपने यहाँ पे ले लिया, राइट, और उसके अलावा चार ऑक्सीजन बचे जिसमें एक ऑक्सीजन यहाँ है, तो इसलिए मुझे थ्री वाटर करना पड़ेगा। ध्यान दो, यहाँ टोटल पांच ऑक्सीजन थे जिसमें एक ऑक्सीजन तो आपने यहाँ किया, एक ऑक्सीजन कॉपर के साथ आपने लिया, तो तीन बचे इसलिए थ्री वाटर, इसलिए वहाँ फाइव करना पड़ा। तो ये फाइव क्यों आया, ये थ्री क्यों आया, बाकी तो वन वन है, क्योंकि इस पर अगर मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप इजीली कर लेंगे। तो ये फेलिंग टेस्ट हुआ। अल्कोहल के लिए दो इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं, एक ल्यूकास टेस्ट जिसमें रिएजेंट जिंक क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl लेते हैं। तो अगर वन डिग्री अल्कोहल होगा तो ये रिएक्शन वेरी स्लो होगी, क्योंकि वन डिग्री कार्बोकैटायन अनस्टेबल होते हैं, राइट, तो इसलिए ये रिएक्शन स्लो होगी। काफ़ी टाइम के बाद आपको टर्बिडिटी देखने को मिलेगा या हो सकता है ना भी मिले। बट टू डिग्री अल्कोहल होगा तो पाँच मिनट के अंदर में आपको दिख जाएगा टर्बिडिटी, डेट मीन्स नीचे प्रेसिपिटेट जमा होंगे, क्यों, क्योंकि टू डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होते हैं। और थ्री डिग्री अगर अल्कोहल हुआ तो बहुत ही जल्दी आपको टर्बिडिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि थ्री डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। उस केस में हो सकता है आपको जिंक क्लोराइड ना भी यूज करना पड़े, क्योंकि इजीली ये रिएक्शन हो जाएगी। जिंक क्लोराइड यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है, वो करता क्या है, इस Cl को ले लेता है, तो जिससे क्या बन जाता है ZnCl3- और वो H+ ईजिली क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से ये OH वाटर के फॉर्म में बाहर जाता है, कार्बोकैटायन बनता है, राइट, और फिर Cl लग जाते हैं OH की जगह। तो ये ल्यूकास टेस्ट है, तो इससे आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को इजीली पहचान सकते हो। 1 डिग्री बहुत स्लो रिएक्शन होगा, टर्बिडिटी आपको देखने को ना मिले, हो सकता है 2 डिग्री में 5 मिनट के अंदर में, 3 डिग्री अगर होगा तो क्विकली, तो इससे तीनों टाइप के अल्कोहल आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बट जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट है, दैट इज कैन टेस्ट, सी से सेरिक, ए से अमोनियम, एन से नाइट्रेट, तो इससे आप अल्कोहल को डिटेक्ट तो कर सकते हो, बट वो 1 डिग्री होगा 2 डिग्री होगा 3 डिग्री होगा वो नहीं बता सकते, क्योंकि तीनों रिएक्शन देंगे। करना क्या है इसमें, अमोनियम बोला तो अमोनियम ले लेना है, सेरिक सी ये डी ब्लॉक वाले, राइट, नाइट्रेट तो ये एक्चुअली कम्प्लेक्स बन गया जहाँ पे ये प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में, और अल्कोहल जो है यहाँ पे जिसके पास लोन पेयर है ये एज ए लिगेंड का काम करेगा, तो दो नाइट्रेट को रिप्लेस करके ये खुद आ जाएंगे, राइट, अंदर में, और वो दो नाइट्रेट ये दो अमोनियम के साथ आपका NH4NO3 बना लेगा। तो इसका कलर जो होता है वो वाइन रेड या पिंक कलर होता है, जिससे पता लगता है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों दे सकते हैं, और ये भी टेस्ट इंपॉर्टेंट है जो सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल के लिए यूज होता है। ध्यान दें, फिनॉल के लिए ये सब टेस्ट यूज नहीं होते हैं। नेक्स्ट, फिनॉल के लिए जो टेस्ट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रल FeCl3 लेते हैं, जहाँ पे आयरन प्लस थ्री में, डैट मीन्स क्या हो गया, ये फेरिक वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि आयरन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, न्यूट्रल कंडीशन में लेना आपको। फिनॉल लो या फिनॉल के डेरिवेटिव, उस पर कोई अगर ग्रुप लगा दिए तो भी कोई बात नहीं है, तो इनकी रिएक्शन होगी। करना क्या है, चूँकि ये डी ब्लॉक के हैं और ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो एज ए लिगेंड का काम करेगा, तो एक कॉम्प्लेक्स बनाना है। आयरन प्लस थ्री में होगा तो सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स बना देना है, तो ये छः मॉलिक्यूल लेकर के उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना देना। आयरन प्लस थ्री में, क्योंकि ये न्यूट्रल था तो ये प्लस थ्री, या वो तीन Cl को आप चाहो तो प्लस थ्री हटा करके तीन Cl थ्री भी कर सकते हो, राइट। तो इसका जो कलर है वो वायलेट कलर आता है, इससे टेस्ट हो जाता है। तो फिनॉल को टेस्ट करना हो तो फिनॉल में न्यूट्रल FeCl3 डाल दो, अगर वायलेट कलर आ रहा है तो डेट मीन्स वो फिनॉल है। ध्यान रहे, अल्कोहल फिलिए टेस्ट नहीं देता है।